I am Satyajit Singh, Administrative Head of Allen Jaipur Center. I welcome you all on behalf of Allen Jaipur Center as well as the whole Allen family. एक सेशन की पूरी प्लानिंग और उसके हिसाब से स्टूडेंट का ईयर लॉन्ग एक प्रोग्रेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं कई पेरेंट्स से मिलता हूँ तो ज़्यादातर जगह ये प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर 3, 4, 5, 6 मंथ्स दे सडनली दे अवेक और फिर पूछते हैं कि ये गैप्स क्यों हैं या क्या करना चाहिए. उससे अच्छा है कि हम उस टाइम को आने से पहले ही इन सब चीज़ों को पहले ही अपने दिमाग में रखें. एंड दे आर वेरी फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर, विच यू हैव टू टेक नोट ऑफ. उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी और जो आपका बड़ा स्टेप है फ्यूचर भी बहुत दूर नहीं होता. जो बच्चे आज 6th, 7th में हैं उनको लगता होगा कि बहुत छोटी क्लास में है, बट उनके पेरेंट्स को मैं याद देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले वो बहुत ही छोटे से गोदी में थे. देन यू मस्ट नॉट हैव इमेजिनड कि 6th, 7th में इतनी जल्दी आ जाएंगे. इस तरह से ही 11th, 12th भी बहुत जल्दी आ जाता है. जो करियर आपके दिमाग में है, जो आपको सोचना होता है कि हमारा बच्चा ये बनेगा, उसकी तरफ वही बड़ा स्टेप है. बट जर्नी स्टार्ट्स विद एनी काइंड ऑफ जर्नी स्टार्ट्स विद अ वेरी फर्स्ट सिंगल स्मॉल स्टेप. तो छोटा एक स्मॉल स्टेप है जो हम ले रहे हैं एक प्री नर्चर करियर फाउंडेशन डिवीजन के अंदर, और ये स्टेप अपने आप में बड़ा प्रूव होता है अगर हम लोग इसकी प्लानिंग, इसको अंडरस्टैंडिंग ढंग से सोच पाते हैं इस चीज़ को. जयपुर रिजल्ट के मामले में अगर देखा जाए तो रिजल्ट मैप के ऊपर बहुत तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है. यू सी एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, इट मे बी जेईई, मेडिकल, NTSC, KVPY. आई एम प्रेटी श्योर कि जैसे आज कल रात को जो KVPY का रिजल्ट आया था वो आप लोगों ने देखा होगा. जयपुर से बहुत अच्छा एक प्रॉमिसिंग, बड़ा इंकरेजिंग रिजल्ट आया है. 98 स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम एलन जयपुर. वो स्टूडेंट आप ही के सीनियर्स में से हैं. मैं चाहूँगा कि उन वो स्टूडेंट से आप यहाँ पे नहीं हैं, बट लेट अस क्लैप फॉर देम, दे आर फ्रॉम जयपुर ओनली. 98 स्टूडेंट्स तो एलन जयपुर के ही हैं और एलन अपना जयपुर सिटी से टोटल 123 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं. KVPY जो है, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एक तरह से देखा है फेलोशिप स्कीम है, विच गॉट स्टार्टेड इन 1999. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसको एडमिनिस्टर करता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है. इसका पर्पस यह है कि जो बच्चों में एक साइंटिफिक ब्रेन है तो वो साइंस की तरफ जाए और साइंस को अपना फील्ड लें, उनको प्रमोट करते हैं. हमारे बच्चे क्यों देते हैं इस बात को या जनरली स्टूडेंट क्यों देते हैं? हाँ, अगर आप कोर साइंसेज में करियर बनाते हैं, जैसे BSc, MSc, PhD करते हैं, देन दैट स्कॉलरशिप इज़ गिवन टू यू. आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिला के करीब 4,64,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उस एक स्टूडेंट के ऊपर. आप सोचिए कि करीब 2,500 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, कितना ह्यूज एक अमाउंट है जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है. बट जो बच्चे भी KVPY सेलेक्ट होते हैं नॉर्मली दे टेक एडमिशन IITs या मेडिकल कॉलेज में ले लेते हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते क्योंकि बेसिक साइंसेज में नहीं है. मगर KVPY का जो उनका एक लाइफ लॉन्ग एक अचीवमेंट रहता है वो अपने आप में एक उनके पोर्टफोलियो को बहुत हैवी करता है. आपका जो बेसिक एम रहता है कि हमें एक करियर की तरफ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या कॉमर्स किसी करियर की तरफ जाना है, ये एक तरह से मैं इनको ऑफ द ट्रैक एग्जाम बोलता हूँ. जैसे NTSC है, KVPY है, ये एग्जाम आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यू हैव लर्न, यू हैव अमंग द टॉप 1,000 or 2,000 स्टूडेंट्स इन इंडिया. ये आपको एक रिफ्लेक्शन देता है आपकी कैपेबिलिटी का. तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स. NTSC भी करना चाहिए, ओलंपियाड्स को भी ट्राई करना चाहिए अपनी जो भी रिस्पेक्टिव क्लासेज में आते हैं. जूनियर साइंस यंगर क्लासेज में रहता है, आगे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, ये सब आते हैं. आपको लेटर ऑन अपने करियर में आपको टीचर्स गाइड भी करते रहेंगे. तो रिजल्ट्स को देखते हुए अगर हम देखें, जयपुर से इतने अच्छे रिजल्ट्स, ऑल इंडिया रैंक 1 IIT के अंदर अचीव हुआ, ऑल इंडिया रैंक 3 हुआ, ऑल इंडिया रैंक 9 हुआ. फॉर्चुनेटली सारे एलन के स्टूडेंट थे, क्लासमेट्स थे, हमारे स्टूडेंट्स एलन जयपुर के लास्ट ईयर ही ये हुए हैं. तो एक कॉन्फिडेंस था कि हमसे सीनियर भैया या दीदी जो हैं वो अगर अचीव कर सकते हैं, हमारी कॉलोनी में या आसपास रहते थे, दे आर फ्रॉम जयपुर, दे आर स्टडिंग फ्रॉम द सेम स्कूल जिनसे हमने पढ़ा, इन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यहीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करके अगर इतने हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? वेयर इज़ द डिफरेंस? तो इसमें हम लोगों को खुशी होती है कि एलन जयपुर सिस्टम ने एक रोल प्ले किया है एक सिटी को इस लेवल तक पहुँचाने में. काफ़ी कई सालों की मेहनत है, एक अकेडमिक सिस्टम है, वो क्लब हुआ यहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ आशीष रोड़ा सर और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एलन, विच इज़ अ वेरी ह्यूज एंड प्रूवन प्लेटफॉर्म. तो प्रोसीडिंग अगेन विद द सेम थिंग जो हमारे सेशन में रहेगा, आशीष सर थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और
हमारी जो क्लासरूम स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज इफेक्टिवली द वेरी फर्स्ट क्लास, बट द डिफरेंस इज दैट इट इज विद पेरेंट्स. वी स्टार्ट ऑल ऑफ आवर क्लासेस डेली इन आवर कैंपस ऑल्सो विद एलन प्रार्थना. मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठे बैठे ही प्रार्थना की मुद्रा में आए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना प्ले कीजिए. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले निर्दस्ते बेहर से, भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आ क्या सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का रस तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का होना. हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना. विदाउट टेकिंग मच टाइम आई इनवाइट ऑन स्टेज आशीष जोड़ सर टू टेक अप द प्रेजेंटेशन. Good evening all dear students and parents. As already Satish sir has communicated, this orientation session we always consider as the very first class for students. Aur pehli class mein hum logon ka tradition bhi raha hai ki hum parents ko bhi invite karte hain, kyunki pehli class ka purpose yahi hota hai ki aap जितना हो सके आने वाले टाइम के लिए जिस गेम को खेलने जा रहे हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो लें, रूल्स समझ लें चीज़ों के. और अभी मैं ये भी चाहूँगा कि जितना हो सके नेक्स्ट जो 45 मिनट्स में बातें करने वाला हूँ उन बातों को जितना कैजुअल और रिलैक्स कूल माइंड से एब्जॉर्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ओरिएंटेशन सेशन में जैसा फर्स्ट स्लाइड में है, इट इज़ फॉर एकेडमिक सक्सेस बाय प्री प्रिपरेशन फॉर अपलिफ्टिंग योर एकेडमिक हेल्थ. हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक हेल्थ, बिकॉज इफ़ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कमिंग टाइम, आने वाले टाइम में आपकी एकेडमिक हेल्थ आपको ना सिर्फ स्कूल लेवल के ऊपर एक एकेडमिक सुपीरियरिटी देती है, जब आप हायर क्लासेस में पहुँचेंगे क्लास 11th और 12th में
ड्यूरिंग 11th एंड 12th आप अपने करियर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो एकेडमिक हेल्थ जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना करियर वाइज अपने लिए अच्छे मुकाम हासिल कर सकेंगे। और इन सब चीज़ों का जो बेसिक सीक्रेट है वो एक ही है कि जितना आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, बातें मैं आगे भी बताऊंगा आपको, और इस पूरे सेशन में मैं यही चाहूंगा कि जितना रिलैक्स और कैजुअली आप चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकें वो अच्छा रहेगा। सबके पास पैड्स हैं और पेन हैं, जितने क्रिटिकल पॉइंट हैं आप नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के पास डायरेक्ट कनेक्शंस रहेंगे, बिकॉज अभी एक ऐसा सिनेरियो जयपुर में डेवलप हो गया है, एलन पिछले 3 साल से ऑपरेट कर रहा है और 3 साल में जो रिजल्ट्स डेवलप हुए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं दूसरी चीज़ भी आपको बता देता हूँ, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस रिजल्ट का हिस्सा नहीं रहे। हर स्टूडेंट उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाता। हम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को देखते हैं, और एलन में बीइंग एकेडमिक हेड, मेरा पूरी जो एकेडमिक टीम है, जो टीचर्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टीम इन द कंट्री। आज एलन जयपुर में 187 टीचर्स एसोसिएटेड हैं, और इन टीचर्स का भी जो मेन मोटिव है और जो ओरिएंटेशन है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में है कि जितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल लेवल पे गए हैं वो स्टूडेंट्स, और साथ में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उसका स्पेसिफिक रीज़न कि उन सक्सेस तक क्यों नहीं पहुंच पाए, वो सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन सेशन में सबसे पहली चीज़, बिफोर प्रोसीडिंग टू द पॉइंट, जो आप नोट करें, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। इस सक्सेस की से पहले भी एक पॉइंट है, आज मॉर्निंग से काफ़ी हमारे पास कॉल्स आए पुराने हमारे स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, कि सर हमने लास्ट ईयर भी एलन में थे, यहीं पढ़ना है, सब कुछ समझा हुआ है, तो आज ओरिएंटेशन सेशन में आने की ज़रूरत है क्या? सो वी सिंपली कम्युनिकेटेड वन थिंग कि एक बात आप अपने दिमाग से, लाइफ से निकाल दीजिए कि आपको सब कुछ पता है। एवरी ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न्स आर चेंजिंग, हर साल एकेडमिक मेथोडोलॉजी हम भी चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। आज हमको ये पता है कि 3 साल बाद जो करियर कॉम्पिटिशन आने वाले हैं 11, 12th में, बिकॉज एलन मीन्स इट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन और बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप सारे स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं, दे आर राइट नाउ इन क्लास 6 टू क्लास 9th, बट आप ये मान के चलिए हम जो आपको प्रिपेयर कराएंगे आप ही की क्लास के लिए कराएंगे, बट आपका मेंटल एप्टीट्यूड इस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जब आप 2, 3, 4, या 5 साल बाद 11th और 12th क्लास में जाएं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स वे में बहुत कंफर्टेबली अपनी एकेडमिक सुपीरियरिटी के साथ कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर पाए। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी सही हो, आपकी रणनीति सही हो। रणनीति या ये कह लीजिए आप डेली जिस तरह से एकेडमिकली बिहेव करें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे पढ़ें, उसको इस तरह के प्लान के साथ चलें। एलन में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि ऑब्वियसली अगर हम एलन जा रहे हैं एक एकेडमिक सुपीरियरिटी लेवल आएगा, और मैं अभी बता देता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। और ये भी बता देता हूँ, हम किसी भी स्टूडेंट को उस एकेडमिक सुपीरियर लेवल पे ले जाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते, लेकिन फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब बेस्ट सिस्टम, बेस्ट टीचर्स के साथ बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट पेरेंट भी उसी लेवल पे काम करेंगे। क्योंकि जिस लेवल के आउटपुट्स आ रहे हैं और जयपुर नेशनल मैप के ऊपर आने लगा है, तो वो इस कॉम्बिनेशन की वजह से, वो ना सिर्फ स्टूडेंट की वजह से, ना सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, ना सिर्फ टीचर्स या सिस्टम की वजह से, और इसमें सबसे बड़ा रोल इंडिविजुअल स्टूडेंट का होता है। और इस फर्स्ट क्लास में पेरेंट्स को बुलाने का पर्पस भी यही है कि पेरेंट्स उस कंपेनियन की तरह उस स्टूडेंट के साथ जुड़े रहें कि कहीं पे गलती हो रही है तो इस एज में बच्चों को पता नहीं कर चल पाता है, वो हम ठीक करें। हमारे सामने जब गलती होगी हम सारे टीचर्स उन बच्चों को करेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे वो अपने एक सुपीरियर लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी जो सक्सेस फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत अच्छे से दिमाग में रखें, क्योंकि ये फैक्टर इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हमने रेगुलरली ऑब्जर्व किया है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस फैक्टर मेनी स्टूडेंट्स दे ब्रेक डाउन, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस थिंग्स, दे आर नॉट एबल टू रेगुलरली मैनेज देयर एकेडमिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑलवेज कीप योर माइंड इन हैप्पी एंड कंटेंटेड स्टेट, सबसे बड़ी चीज है। इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, आप अगर किसी प्रोफेशन में आप जितना हो सके आप खुश रहें
तो ही फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट को देखा है, सक्सेसफुल परफॉर्मर को देखा है, स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने अभी ओलंपिक्स देखे हो या कभी भी किसी विनर को देखा हो, तो किसी भी मेडलिस्ट या विनर की स्माइल और कॉन्फिडेंस जो उसके फेस पे दिखाई देता है, वो खुशी भी झलकती है। जो हाईली कॉन्फिडेंट होता है वो उतना ही खुश होता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। जो खुश रहते हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और जो स्ट्रेस्ड आउट स्टेट में रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जो साइकोलॉजिकली आपको इनर स्ट्रेंथ देता है हर चीज में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास जो कुछ है वो ये लाइफ है, आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी सराउंडिंग है, आपकी सोसाइटी है। अब आप खुद खुश रह सकते हैं, कितने बड़े सर्कल को खुश रख सकते हैं आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट खुद खुश रहना हमारे हाथ में, और वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। नहीं तो स्ट्रेस वाली स्टेट आने वाले टाइम में बहुत नुकसान देती है। ऑलवेज रिमेंबर देर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट विद द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ओरिएंटेशन जो पेरेंट्स के लिए जरूरी है। अ कूल माइंड हेल्प्स इन क्विक ग्रास्पिंग एंड लॉन्ग रिकॉल एबिलिटी। अगर हम कूल माइंड की बात करें तो बच्चे आई थिंक बहुत इजीली रिकॉल कर लेंगे, जब अपने फ्रेंड सर्कल से साथ बैठे हुए हैं, हंस खेल रहे हैं, या पांच सात दोस्त हैं, और जब वो बातें बनाने लगते हैं तो उनको सालों पुरानी बातें भी याद रहती हैं, उनको ऐसी बातें जो कभी हुई नहीं वो भी याद आ जाती हैं, एंड दे आर एबल टू फ्रेम लॉट मैनी थिंग्स वेन दे आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स। और इतना कूल माइंड है कि दिमाग इतनी तेजी से चलता है, इतना फर्टाइल लेवल पे होता है, यू आर एबल टू फ्रेम कंटेंट क्विकली वेरी फास्ट, और अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो कई सालों तक याद रहेगा। एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेस्ड माइंड, कभी भी आपका माइंड अगर स्ट्रेस्ड स्टेट में है तो इट लोअर्स योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड ऑलवेज मेक यू डाउटफुल। द बिगेस्ट थिंग इज योर एग्जामिनेशन हॉल। आप याद कर लीजिए, आई थिंक सब पेरेंट्स इस बात को एग्री करेंगे, कई बच्चों ने एग्जामिनेशन हॉल से आके कहोगे तो क्वेश्चन आता था बट एग्जाम में याद नहीं आया, ये मेरे से छोटी सी गलती हो गई, ये तो मुझे आता था। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल स्टेट में हैं, आप मान के चलिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी डाउन होती है। दीज आर प्योरली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहली चीज यही है, क्योंकि इसके बाद अपन क्रिटिकल फैक्टर्स पे चलेंगे, और मैं टोटली आप मान के चलिए चार या पांच फैक्टर्स पे ही बात करूंगा, और वो सारे फैक्टर्स आपको आने वाले साल, ना सिर्फ आने वाले साल बट आगे आने वाले कई सालों में हेल्प करेंगे। हर साल कई मेथोडोलॉजी हम इन्वेंट कर लेते हैं बेस्ड ऑन एनालाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। आज एलएन जयपुर में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाते, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में जाते हैं, उनको हम रिकवर करते हैं बाय स्टडिंग ऑल दीज स्टूडेंट्स। एवरी ईयर वी चेंज द मेथडोलॉजी इन ओरिएंटेशन, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि स्ट्रेस्ड स्टेट के अंदर अगर आप जितना ज़्यादा रहेंगे आप डाउटफुल ही रहेंगे, तो जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप जितना खुश हैं कंफर्टेबली आगे चलेंगे। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आई थिंक मैं हर बार ओरिएंटेशन में ये लाइन बोलता हूँ, जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर अटेंड किया था, दोबारा कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। बाद मैं पूछता हूँ, आप जिस भी क्लास में जा रहे हो, यू आर राइट नाउ गोइंग टू क्लास 6th, 7th, 8th और 9th। जो 9th तक के स्टूडेंट बैठे हैं वो अपनी क्लास में पहली बार जा रहे हैं या नहीं? ऑब्वियसली एवरीबडी विल से यस, मैं पहली बार 8th क्लास में जा रहा हूँ। आखिरी बार जा रहे हो उस क्लास में या नहीं जा रहे हो? तो ऑब्वियसली यस, मुझे हाथ खड़ा करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो अगर 9th में जा रहे हैं तो वो पहली और आखिरी बार 9th में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर, जिस काम को आप पहली और आखिरी बार करने जा रहे हो, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ में आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट ना करें। आप में से जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे पेरेंट्स हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, और कई जगह नेगेटिव भी है, क्योंकि लगातार पूरे साल हम पेरेंट्स से मिलते रहते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स होते हैं उनमें जो नेगेटिव फैक्टर मैं बता रहा हूँ, आप उसको चाहे तो नेगेटिवली ले सकते हैं मेरी बात को, चाहे पॉजिटिवली ले सकते हैं।
मैं उसको नेगेटिव फैक्टर को सिर्फ इस वजह से मानता हूँ कि अगर मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ तो मुझे पता है मेरे बच्चे को अच्छा मुझे कैसे बनाना है, मैंने कैसे किया था, मैं वही चीज़ फॉलो करूँगा, बेटे के ऊपर भी इम्पोज करूँगा। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं, जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली, टाइम के साथ एकेडमिक सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल्स चेंज हो रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशंस इंक्रीज हो रही हैं। आप बच्चे की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, बट कंपटीशन में जब आपने अपने आप को डेवलप किया था, आज वो टाइम नहीं है। तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि आपके सारे मेथड जिससे आप सक्सेसफुल हुए थे वो आज काम करेंगे, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अगर अपने मेथड्स यूज़ करना चाहते हैं, आप टीचर्स से डिस्कस करें। इफ़ यू आर वेरी श्योर यू इम्पोज इट ऑन चाइल्ड, आपको समझ में आता है बच्चा गलत करा, आप ठीक ज़रूर कीजिए। लेकिन आप अगर जहाँ डाउटफुल हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप हम लोगों से कनेक्ट कर लीजिए एंड डिस्कस whether इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। बच्चे को लाने की जरूरत नहीं, आप इंडिविजुअली यू कैन टॉक टू अस ऑन फोन, आई एम अवेलेबल, योर एकेडमिक मेंटर वुड बी अवेलेबल, मैं भी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर कर लूँगा, देर इज़ अ डायरेक्ट वे टू कनेक्ट। आप रैंडमली ट्राई करेंगे, मेरा पर्सनल मोबाइल है, कई लोग ट्राई करते रहते हैं फिर नाराज हो जाते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते। सो मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पर्सनल मोबाइल पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट रास्ता है मुझसे बात करने का, जो मैं चैनल बता रहा हूँ उस चैनल से चलिए, आपकी हमेशा बात हो जाएगी। सो डू नॉट ट्राई एट रैंडम टू टॉक टू एनीबडी इन आवर सिस्टम, देयर आर डायरेक्ट वेज बाय विच यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर्स, योर एकेडमिक मेंटर्स, आई एम अवेलेबल, इवन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू अवर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक टीम, एनीबडी। देर आर 400 पीपल वर्किंग एट एलन जयपुर सेंटर, 187 आर टीचर्स एंड रिमेनिंग आर नॉन एकेडमिक टीम मेंबर्स विच कंप्राइज द होल सिस्टम थ्रू विच लॉट मैनी अदर फैसिलिटीज आर बींग ड्रिवन फॉर द स्टूडेंट्स। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जितना अपने आपको कूल रखेंगे उतना आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। Before going ahead, there is an important information. If you wish, you can note down LN discipline document. आपकी जो first class होगी बच्चों की, आप लोगों की classes शुरू होने वाली हैं from 5th of April. Those students who have taken admission in Talent Pro program, उनकी कल से classes शुरू हो जाएंगी, और बाकी सारे students की जिन्होंने हमारे various centers पर admission लिया है, उनकी classes 5th of April से शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। In the very first class, you'll be given LN discipline document. इस डॉक्यूमेंट को आप संभाल के एक फाइल में लगा लीजिएगा। एवरी मंथ ACES लेटर सीरीज बच्चों को मिलते रहते हैं, कई लेटर्स आपके पास आते रहेंगे, हर लेटर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टिप होगा। दिस वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली, सो वो जैसे ही लेटर है आप एक अलग LN लेटर्स की फाइल बना लीजिए, जिसमें सबसे ऊपर LN डिसिप्लिन डॉक्यूमेंट होगा, और जो भी लेटर जब भी मिले, कई बार मंथ में एक मिलेगा दो मिलेगा, उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सक्सेस फार्मूला लिखा होगा, एक्सपेरिमेंटेड फार्मूला, जिस बेसिस पे या तो हमारे पास्ट स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस अचीव करी है, या हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम नहीं लिखा होगा, जिन्होंने वो गलती करी और उस गलती की वजह से उनको समझ में आया कि फाइनली दे वर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड पोजीशन। दोनों मेथडोलॉजी पे हमारे पास्ट स्टूडेंट्स के वर्डिक्ट होंगे। उस लेटर को आप संभाल के फाइल अप करते रहें, और ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फाइल को वीकली 10-15 दिन में खुद भी पढ़ते रहें, बच्चे को भी रिमाइंड कराते रहें। सेकेंड इज योर एकेडमिक मेंटर वुड बी मिसेज अनुजा, हु इज लुकिंग आफ्टर द होल प्री नर्चर करियर फाउंडेशन विंग विच इज रनिंग फ्रॉम क्लास 6 to 10th। आप डायरेक्टली मैम का नंबर नोट कर सकते हैं। फॉर एकेडमिक इश्यूज, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस, कई पेरेंट्स को डाउट होता है आपका ये सेंटर अच्छा है वो सेंटर अच्छा नहीं है, वी सिंपल वन थिंग, वी मेंटेन क्वालिटी एट एवरी सेंटर, बट देर आर सम सेंटर्स वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली हाई, एक्सक्यूज मी, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली हाई, आप ये मान के चलिए उस सेंटर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो ऑफ रिजल्ट है वो अपने आप हाई होता है। जिस सेंटर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है वहाँ पे टोटल रेशियो भी कम होगा, टॉक अबाउट द ओवरऑल रेशियो, इट इज सेम ऑलमोस्ट एट एवरी सेंटर। सो एट डिफरेंट सेंटर देर आर डिफरेंट फैसिलिटीज, आई विल एक्सप्लेन यू, द डिफरेंस विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, देर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टीचिंग। आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आपको कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है,
किसी जगह बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, पेरेंट्स डायरेक्टली मैम को कनेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स चाहे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। एज सून एज योर क्लासेस विल स्टार्ट, मैम खुद बच्चों से हर बैच में हर सेंटर पे क्लास में जाके उनको बेसिक मेथडोलॉजी बता देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, सो दैट स्टूडेंट्स विल बी कम्फर्टेबल विद मैम। आप जितना मैम के साथ फेमिलियर रहेंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और जब भी आप मिलेंगे आई एम वेरी श्योर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन ही करेंगे in terms of level of confidence, in terms of overall boosting. If you wish to connect to me, this is a direct helpline number. You can note down the number on which you can drop your information. Certainly you are going to get a call back within 24 to 48 hours because there are around 9,000 students studying at LN. So it may not be necessary ki immediately aap connect kar sakte hain. Lekin agar aapko emergency hai koi to is number pe aap bol dijiye, I need an emergency, I want to talk to Ashish Arora sir, kindly connect me urgently, then they'll take it on priority. But if this is not an urgency, aap apna information drop kar dijiye, aapke paas call back aayega, aapse aapka issue pooch liya jayega. Agar aap nahi share karna chahte hain, aap direct ek line bol dijiye, humko to Ashish sir se hi baat karni hai, aapse hum share nahi kar sakte, wo meri baat karwa denge. Aap milna chahte hain mujhse, wo aapke liye meeting time fix kar denge. There is a proper channel and this number works only on working days from 11 a.m. to 7 p.m. LN Samvad. Samvad is the call center which we run at LN Jaipur Center. Phone number is 519-5100. There are 10 lines operating on it. For any kind of issue, whether it is academic or non-academic or any type of thing. आपको अगर प्रॉब्लम लगती है कि आपके सेंटर पे ठंडा पानी नहीं आ रहा है गर्मी में, आप कॉल करके बोल दीजिए. एनी काइंड ऑफ इश्यू यू कैन रिपोर्ट ऑन टू दिस नंबर. इवन एकेडमिक इश्यू आल्सो यू कैन रिपोर्ट. द डायरेक्ट मैसेज विल बी ट्रांसफर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. सो दिस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू विच ऑलवेज बी इन टच. नाउ इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एकेडमिक ओरिएंटेशन, नाउ फ्रॉम दिस स्लाइड आई एम स्टार्टिंग the key information which I want all of you to note down and follow strictly regularly throughout the coming year or in coming years. क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसमें जो information है वही आपको aware कर देगी कि why we need this orientation and the kind of things we are moving ahead up to class 10th. Next year तक 9th के student के लिए और जो 6th में student है उनके लिए 5-6 years तक. सबसे बड़ा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद इन योर स्कूल्स, आर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज मोर और लेस बेस्ड ऑन स्ट्रेट मेमोरी रिकॉल. मैं बोल भी रहा हूँ अगर पीछे से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो, फॉन्ट साइज इज बिट स्मॉल. और जो मदर्स या फादर्स बच्चों के साथ एसोसिएटेड है वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर वो थोड़ा भी पढ़ाते हैं तो बच्चे समझते तो हैं चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद अगर कल स्कूल में ग्रेडेड एग्ज़ाम होना है तो उससे एक दिन पहले हमारा बहुत स्ट्रांग फोकस होता है कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर रटे हुए होने चाहिए, या उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कम से कम 4-4, 5-5 बार, 8-8 बार उस चैप्टर को इतना रीड कर लिया कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो विल बी एबल टू रिप्लाई एंड विल रिप्लाई बेस्ड ऑन वॉट वी हैव स्टडीड. सो दैट इज वॉट वी कॉल स्ट्रेट मेमोरी रिकॉल. जो आपने पढ़ा उस पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अप टू 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. अगले साल वापस से 10th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 7 सालों से जो CCE पैटर्न स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया गया था उसको वापस क्यों विड्रॉ कर लिया गया. द रीजन इज द पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन वी आर कीपिंग, कि बच्चों का ओरिएंटेशन स्ट्रेट मेमोरी रिकॉल से शिफ्ट करके एप्लीकेशन पे डाला जाए. दैट वाज द मेथोडोलॉजी इन कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मैकेनिज्म जो कि पिछले साल तक चलता था. आप सारे स्टूडेंट्स ने SA1 और SA2 का स्ट्रक्चर फॉलो किया है. जब आप SA1 एग्जाम देते हैं सिर्फ SA1 के 4 चैप्टर आते हैं, फिर कहानी खत्म हो गई. SA2 के एग्जाम में सिर्फ वो 4 चैप्टर आते हैं. गवर्नमेंट ने HRD मिनिस्ट्री ने ऐसा इसलिए किया कि बच्चा पूरे साल के सब्जेक्ट्स पे फोकस ना करे, 4 चैप्टर को समझे, उनके एप्लीकेशन सीखे, उनकी डिटेल में जाए, उनके पूरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को अचीव करे और फिर एग्जामिनेशन दे विच आर कॉल्ड समेटिव्स एंड फॉर्मेटिव्स. लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को
इस चीज का पता नहीं था कि स्कूल और स्कूल टीचर उसको सिस्टमेटिकली 100% लेवल पे फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। काफी टीचर्स ने, अच्छे टीचर्स ने उस सीसी पैटर्न को अडॉप्ट करने की कोशिश की, बट नेशनल लेवल पे मेनली इन रूरल एरियाज जहां हमारी मेजर पॉपुलेशन है वहां पे उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सका। उसको भी इसी बोर्ड एग्जाम्स की तरह से चलाते रहे और इतना रिलैक्स हो गए स्टूडेंट्स कि ऐसे वन एग्जाम में तो बस चार चैप्टर आने, चार चैप्टर रट लो क्योंकि रटने वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही होता रहा। जैसे बोर्ड एग्जाम होता था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। सो जो एकेडमिक बच्चों का बढ़ना चाहिए था बढ़ने के बजाय कम हो गया, मेमोरी रिकलेक्शन एबिलिटी भी डिप कर गई। सो अगेन द बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न इज बीइंग इंट्रोड्यूस विद सम डिफरेंसेस गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन कमिंग टाइम, बट ये वाला जो सिस्टम है इस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि 10th तक तो यही सिस्टम रहेगा बट इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर मेमोरी रिकलेक्शन। बट वेन वी टॉक अबाउट क्लास 11th एंड 12th, स्पेसिफिकली इन 11th एंड 12th टू क्रैक करियर कॉम्पिटिशंस, इट इज असेंशियल टू बिकम अ लॉजिकल थिंकर एंड एनहांस योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। हम हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल एबिलिटीज की बात करें, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के जब तक आप डीप एप्लीकेशंस को नहीं समझ पाएंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। आज जेई मेन का एग्जाम हुआ है, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ जेई मेन का एग्जाम आज ही 12:30 बजे खत्म हुआ है। जस्ट नाउ बिफोर दिस ओरिएंटेशन आई वाज एनालाइजिंग द पेपर, कल आप जयपुर के मेन न्यूज़पेपर्स में आप एनालिसिस पढ़िएगा। दिस ईयर ऑल्सो इवन इन जेई मेन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन, जेई मेन इज कंडक्टेड बाई CBSE, ये कहा जाता है जेई मेन का पेपर CBSE की टेक्स्ट बुक्स में से ही बनता है, दैट्स करेक्ट, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन मेमोरी रिकलेक्शन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। जेई मेन का पेपर भी कंप्लीट एप्लीकेशंस पे ही बेस्ड था जो आज कंडक्ट हुआ है, और 10th तक एप्लीकेशन ओरिएंटेशन नहीं होता। आप जितना बुक को ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर करेंगे, 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड लाना है, A+ ग्रेड लाना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अप टू क्लास 10th, बट जेई मेन के एग्जामिनेशन के अंदर जो चैप्टर है उस चैप्टर पे बेस्ड एप्लीकेशंस जो बुक में नहीं है उन पे क्वेश्चंस पूछे गए। हमेशा यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इसी वजह से आज एलन की जरूरत है या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है। हम लोगों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई जगह कि स्कूल के साथ ही इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये चीज़ें एक लेवल से ऊपर जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नीड खत्म हो, डबल लोड बच्चों के ऊपर से खत्म हो, लेकिन वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक ये 10th और करियर कॉम्पिटिशन के गैप कम नहीं होंगे। आज अब्रॉड अगर हम जाते हैं जापान में, यूरोप में या US में, राइट आफ्टर क्लास 5th एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी स्टार्ट्स, वहां कोई बच्चा मेमोरी रिकलेक्शन पे प्रिपरेशन नहीं करता। सो दैट इज द गैप, बट एनीवे लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट। मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज इफ वी टॉक अबाउट LNPNCF डिवीजन, जो आपकी क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं, आर मेन पर्पस इज टू प्रिपेयर ऑल द स्टूडेंट्स विद अस ऑन द गैप्स बिटवीन फॉर्मल स्कूल स्टडीज एंड चैलेंजिंग नेशनल टैलेंट एंड कैरियर कॉम्पिटिशंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो वेरी फर्स्ट की पॉइंट इज आप अपने आप को मेंटली रेडी करें, टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, सारी चीजें सेम है। द ओनली डिफरेंस इज जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे स्कूल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके मेमोरी रिकलेक्शन पे बेस्ड होंगे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उन चैप्टर के एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे जो आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं है। हम आपको उसी चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन भी बिल्ड होता है, भाई एलन में एडमिशन मत कराओ, बच्चे को 8वीं क्लास में 12वीं की पढ़ाई करा देते हैं ये लोग। दिस इज अ मेजर मिसकॉन्सेप्शन। इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन क्लास 8th, हम आपको क्लास 8th का ही सिलेबस कराने वाले हैं, बट एवरी चैप्टर ऑफ NCERT क्लास 8th इज टेकन अप फर्स्ट एट अ मेमोरी रिकलेक्शन लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन लेवल। फिर जो हमारे टेस्ट होंगे दोनों तरह के होंगे टेस्ट, मेनली वी आर फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन लेवल को अच्छे से समझ जाते हैं इसका मतलब मेमोरी रिकलेक्शन तो अच्छा हो ही जाएगा, और अगर मेमोरी रिकलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है तो आपके एप्लीकेशन कभी अच्छे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम आपको दिमाग में रिकॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप रिकलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
सो हमारा मेजर काम ही यही कि हम उस गैप को ब्रिज अप करें. सो आप सिक्स में हैं, सेवन्थ में हैं, एट्थ में हैं या नाइन्थ में हैं, आप सिर्फ अपनी वर्किंग पे फोकस करें. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ इट, सो दैट जब आप 11, 12 में पहुंचेंगे ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी. सो दैट यू विल नेवर बी हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ओवर इट. इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू बीट कॉम्पिटिशन, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर. क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दैट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पे टाइम डिवोशन कम करते हैं, बट पेरेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दे आर हैविंग हाई पोटेंशियल. हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, बट सबसे बड़ी बात करें हम कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन को बीट कैसे करें. इसमें मैं एक थोड़ा फनी सा भी एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल एग्जांपल है. जस्ट थिंक हाउ एलन सेलेक्ट टीचर्स फॉर यू. एलन का टीचर्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दिस आई वुड लाइक टू शेयर बिकॉज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू. नॉट रिलेटेड कि आपको कैसे टीचर पढ़ाने वाले हैं, इट इज़ फॉर द पर्पज कि आप इस मेथडोलॉजी को यूज करना शुरू करें. एलन का जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है उस में टीचर के लिए बहुत सारे रिटन एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन टीचर के डिस्कशंस होते हैं, फिर टीचर के डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं जिसमें टीचर्स को ये कहा जाता है कि आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करके आइए जिस टॉपिक पे आप टीच करेंगे, लेकिन सामने स्टूडेंट्स नहीं होंगे, एलन के एक्सपर्ट्स होंगे और वो आपके टॉपिक को जज करके आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज द जनरल क्राइटेरिया. सो टीचर्स जो हमारे सारे रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेता है उसका जब ये टाइम आता है, वही बात कर रहा हूँ, द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ लेक्चर, तो टीचर ऑब्वियसली उसको अपना जॉब के लिए फाइट करना है, इन दैट केस वो अपना टॉपिक बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करके आते हैं और कम से कम 10 या 15 बार पढ़ के उस टॉपिक को स्ट्रांग, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से टीचर हैं तो पढ़ने का एफिशिएंसी लेवल हाई होता है. एंड व्हेन दे स्टार्ट टीचिंग एक्सपर्ट्स एनालाइज देम, रीड देम, देन दे क्रॉस क्वेश्चनिंग देम, दे स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग. और जब एक्सपर्ट्स क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं ऑब्वियसली टीचर अच्छी प्रिपरेशन से वो रिप्लाई करता जाता है, एंड एक्सपर्ट धीरे धीरे ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं. बीच में वो डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम टीचर ही कहता है सर मैं तो ये टॉपिक प्रिपेयर करके आया था, आप जो क्वेरी कर रहे हैं वो टॉपिक मैं प्रिपेयर करके नहीं आया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वॉट वी प्रेफर ऐसे टीचर जिनको किसी टॉपिक को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. और वो क्यों नहीं होगी, अगर आप लगातार 6, 7, 8 साल से कंसिस्टेंटली एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछ रहे हैं, आप डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो एक ही चीज को बार बार करते करते इतना एनलाइटनमेंट होता है कि ऑटोमेटिकली चीजें लिफ्ट हो जाती है. मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल शेयर कर लेता हूँ. डे बिफोर यस्टरडे बच्चों के साथ मैं वो एक मूवी देख रहा था, द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, सबने देखा होगा लॉस्ट वर्ल्ड, उसका जो पार्ट है 4 या 5 बार देख चुका हूँ मैं. इवन आफ्टर दैट जब ये 6ठी बार बच्चों के साथ देख रहा था तो आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई सम सीन्स, सम क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स इन दो सीन्स जो मैंने पहली 4 बार में मिस कर दिए थे. एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो पहले मैंने ध्यान नहीं दी, ये वाले डायलॉग ही मैंने मिस कर दिए थे, ये वाली चीज़ वहाँ मिस हो गई थी, और 6ठी बार में ये चीज़ मैंने नोटिस करी, एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी. एंड टिल द एंड ऑफ द मूवी आई वॉज एबल टू कॉन्सेंट्रेट. मुझे ऐसी इतनी चीज़ें मिली कि मुझे लगा नहीं कि मैं 6ठी बार देख रहा हूँ. सो द पॉइंट इज कि बार बार एक ही चीज़ को करते करते वो चीज़ें ऐसी दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. इट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ अवर ब्रेन कि वो चीज़ें बार बार ऐसे एडजस्ट हो जाती हैं कि उनको फिर दोबारा पढ़ने या याद करने की जरूरत नहीं. एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग. देयर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने शोले मूवी इतनी बार देखी है, आप उनसे कोई डायलॉग पूछ लो, एक वर्ड पूछ लो, पूरे डायलॉग बोल देंगे शोले. सो जस्ट लाइक दैट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. मल्टीपल रीडिंग एंड रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस इन योर एग्जाम. आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, अगर आपने कुछ भी नया पढ़ा है, तो आप ये आपका काम है कि आप उस चीज को कितनी बार 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 कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिविजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपीटिशन. आपके आधा घंटा है, उठा के पुरानी चीजें रिपीट करना शुरू कर दीजिए. आई एम वेरी श्योर
इवन 5 बार उसी चीज को रिवाइज करोगे या रिपीट करोगे, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा और आपके ब्रेन की मेमोरी फोटोजेनिक में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी. सो दैट व्हेन यू विल बी मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन, वो चीजें ब्रेन में ऐसी एक्सेप्ट हो जाती है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है. सेम रीडिंग सेम कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन एबिलिटी. इफ यू रियली वॉन्ट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ योर ब्रेन, आप जो पढ़ रहे वो हम 8 महीने तक, 2 साल तक, 5 साल तक ना भूले. द ओनली वे आउट इज इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट अ बेसिक थ्योरम और लॉज. जो बच्चे क्लास 9th में आ रहे हैं उन्होंने 7th या 8th में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस, द बेसिक चैप्टर, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस इन अ वायर, व्हाट इज अ सर्किट. अगर इन चीजों को आपने एक बुक से पढ़ लिया है, एक और बुक से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट वही है. इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की बजाय गूगल पे सर्च कर लें उस कॉन्सेप्ट को, आपके पास इतने लिंक्स आएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट आपको 15 लैंग्वेजेस में मिल जाएगा. जब एक कॉन्सेप्ट को आप 15 लैंग्वेज में पढ़ते हो, आपकी अपनी लैंग्वेज फ्रेम होना शुरू हो जाती है. उसके बाद वो जब आपकी अपनी लैंग्वेज बन जाती है, उसके बाद कोई भुला नहीं सकता आपको. जो LMK टीचर्स हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू टीच यू इन क्लासेस आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है. कॉन्सेप्ट वही है बट दिस देयर ओन लैंग्वेज. एलन का कोई टीचर मिनिमम 6 to 12-15 years के एक्सपीरियंस की रेंज में, और 6 year एक्सपीरियंस वाले भी वो टीचर हैं whom we found they are extraordinary. So we don't want to lose such teachers. That's why they are with Alan. So this is very very important कि आप अपने खुद की एबिलिटी से जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिपीट करें. Never be satisfied कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं खेलने जा रहा हूँ. टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम में खेलने का टाइम होना चाहिए, बट बी disciplined अबाउट इट. आधा घंटा मिला, कुछ ना कुछ पुराना रिपीट कर लेते हैं, आता है तो भी रिपीट करेंगे. आप याद कर लीजिए, चाहे वो मदर्स हों या फादर्स हों कोई भी प्रोफेशन में, या मदर जब पहली बार शादी होकर अपने नए घर में आई थी, वी वर एक्सट्रीमली कॉन्शियस, और उस कॉन्शियसनेस में कई गलतियां होती थी. लेकिन अब वो इतना हैबिचुअल हो गए अपने रूटीन में, हमको वो फर्स्ट डे की कॉन्शियसनेस ध्यान ही नहीं है, बिकॉज इट इज इन आर हैबिट. सेम जो पहला दिन हम लोगों ने अपनी जॉब ज्वाइन करी थी, हम इतने कॉन्शियस थे, लेकिन वही काम अब रिपीट करते करते इतनी बार कर चुके हैं कि हमसे गलती होने का सवाल ही नहीं उठता. सेम थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, कि आती हुई चीज को भी बार बार करते रहो, तब वो मेमोरी रिकलेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एप्लीकेशन के ऊपर आप कभी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मिस नहीं करोगे. सो अनदर थिंग, देर आर ओनली 2-3 things लेफ्ट विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, दिस डूज एंड डोंट्स थ्रू आउट योर एकेडमिक टेन्योर. आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये फैक्टर्स पेरेंट्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर ऑल कॉमन पॉइंट्स. जो परसों से अभी 5th से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, हर पेरेंट को, हर बच्चे को उसी चीज के फ्लो में साथ में चलना है, क्योंकि यही फैक्टर ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको याद दिलाऊंगा. जब पेरेंट्स बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं, बच्चा सब सही कर रहा है लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस लिफ्ट नहीं हो रही, क्योंकि अगर बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल लिफ्ट होगा तो आप कभी आएंगे नहीं हमारे पास. जब आएंगे कि परफॉर्मेंस लिफ्ट नहीं हो रहा है, तो मैं यही पॉइंट याद दिलाऊंगा. एंड एवरी टाइम इट हैपन्स विद मी, बेटा ये कर रहे हो, बताया गया था, नहीं हम ये नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी नहीं, हम ये नहीं कर रहे, तो आप क्यों भूल गए वो वाला पैड कहाँ है जो ओरिएंटेशन में लिखा था आपने? अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, देखो ओरिएंटेशन में बताया था ऐसा नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हो, और फाइनली यू आर आस्किंग कि पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस लिफ्ट नहीं हो रही. क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हर साल हम मॉडिफाई भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, और बार बार याद भी दिलाते रहते हैं. सो प्लीज डोंट टेक एनी ऑफ दीज पॉइंट्स लाइटली. फर्स्ट पॉइंट वापस से वही है, ट्रस्ट यूर सेल्फ, बहुत बड़ा पॉइंट है. बी सेटिस्फाइड, आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि आप अपनी एबिलिटीज के अगर ट्रस्ट करोगे और चीयरफुल रहोगे, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ इन फैमिली एनवायरमेंट पेरेंट्स आर नॉट चीयरफुल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू मेंटेन देयर चीयरफुल एटीट्यूड. पेरेंट्स से भी, क्योंकि आप मान के चलिए हम सबके लिए हमारे बच्चों से बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइफ में कुछ नहीं है. हम लोगों की लाइफ एक रूटीन में आ चुकी है, जॉब है, बिजनेस है, हम अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर चुके हैं. बट बच्चों की हम बात करें, इनकी बिगिनिंग है, तो इनसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कुछ नहीं है. सो एटलीस्ट बच्चों के लिए हमको अपने ही एनवायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जो जितना खुश होता है वो उतना ही कॉन्फिडेंट होता है.
बोथ आर वाइस वर्सा, कॉन्फिडेंस खुशी देता है और खुशी से ही कॉन्फिडेंस आता है. सो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करके चलो. और एक चीज यहां लिखी हुई नहीं है, आप लिख लो, देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड रेगुलरिटी. रेगुलरिटी और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. कई बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा. अगर बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स ज्यादा नहीं है, 6th, 7th, 8th क्लास तक 2-3 घंटे रोज देना इज मोर देन सफिशियंट, बट एट अ स्ट्रेच देना, आधा आधा घंटा करके नहीं देना. 9th क्लास में इट इज एसेंशियल. अगर आप जेन्युइन अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो 9th क्लास में मिनिमम 3-5 आवर्स तक आपको डिवोट करने हैं एट अ स्ट्रेच. 5 आवर्स अगर देने हैं तो 2 घंटा और 3 घंटे के 2 स्लॉट बना लीजिए. बट वो आधा आधा घंटा नहीं कि आधा घंटा पढ़े उठ गए कुछ करने फिर बैठ गए उठ गए. अगेन आई एम टेलिंग यू, रेगुलरिटी और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. नोबडी कैन रिप्लेस इट. कोई शॉर्टकट या मैजिक वैंड नहीं है जो उसका रिप्लेस करके आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले जाए. 100% इज नॉट एसेंशियल, दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना पूर्व कंटेंट कवर नहीं कर पाते. मैं एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ. एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है इट गोज इवन अप टू द टफेस्ट एग्जामिनेशन, वेदर इट इज IAS मीन्स एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज मीन्स एग्जामिनेशन, और ITJE एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियर्स, और AIIMS एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल. 100% इज नॉट असेंशियल. ऑल इंडिया टॉपर, इस साल तो JEE का टॉपर, ऑल IIT JEE का टॉपर भी अमन बंसल एलएन जयपुर का ही था, कुणाल गोयल थर्ड रैंकर भी यहीं का ही था. इन लोगों के भी मार्क्स 100% नहीं थे. टॉपर का रेंज 85% से 92-93% के बीच में रहता है. अगर पेपर इजी आएगा काफ़ी तो ऑल इंडिया टॉपर 92-93% पे जाएगा, पेपर टफ आता है तो 85-88% पे, जो कि लास्ट ईयर ये लोग थे. इन लोगों ने अपनी पोजीशन अचीव करी. लेस देन 90% थे इन लोगों के जो ऑल इंडिया टॉप कर गए थे फर्स्ट एंड थर्ड रैंक पे जयपुर के स्टूडेंट. सो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट इज द लास्ट लाइन, इट इज परफेक्टली फाइन प्रोवाइडेड यू आर स्ट्रांग एट वॉट यू हैव डन. दिस वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड. आपको डेली जो क्लास में कराया जा रहा है उसको इतने अच्छे से समझ लो, घर आके इतना स्ट्रांगली कर लो, और हर 2 दिन बाद उसको रिपीट करते रहो चीज़ों को, ताकि वो महीने भर में तो ऐसा हो जाए कि यार हम टीच कर डालेंगे, ऐसा कर दिया हमने तो. उसको रिवाइज करना तो बहुत दूर की बात है, मैं रिविजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट यू टू एलिमिनेट रिविजन फ्रॉम योर लाइफ. आज डेली जॉब में या मदर्स को जो हाउस वाइफ्स हैं या जॉब्स में, उनको कोई रिविजन नहीं करना पड़ता अपने डेली के काम करने के लिए. इट इज इन आर हैबिट्स. सो जो चीज एक बार आपको डिलीवर की गई है उसको लगे रहो, बार बार करते रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो, एंड ग्रेजुअली रीच अ लेवल की रिविजन की नीड खत्म हो जाए. और वो सब अच्छे से हो गया तो जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले भी खुश रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जितना हो गया ठीक है. अगर पेपर में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, मान लो मेरा 5 चैप्टर में से 1 चैप्टर मेरा छूट गया है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, 80% काम 4 चैप्टर कर लिए ना. तो 40 क्वेश्चन में से 80% मतलब 32 क्वेश्चन तो मेरे हो ही जाएंगे. और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो चैप्टर मैंने छोड़ा है हो सकता है उसके क्वेश्चंस 2-3 कम आ जाए, 2-3 ज़्यादा आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है. मुझे अपने आप को जज करना है, वो ट्रस्ट योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू असेस माई सेल्फ, मुझे किसी और को नहीं देखना. लास्ट ईयर हमारे सेशन जो हमने टॉपर्स के साथ करे थे, इसमें आई हाईली अप्रिशिएट ऑल इंडिया रैंक 3 कुणाल गोयल जो JEE में था, उसने सब बच्चों को एक ही मैसेज दिया कि मैंने कभी किसी से कॉम्पीट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट किया कि मुझे अपने आप को देखना है. ये ऑलवेज कम्युनिकेटेड. अगर आप में से कुछ के बड़े भैया ने या किसी ने 11th, 12th में रहे और उन्होंने वो सेशंस अटेंड करे इन टॉपर्स के जो हमने करे थे, तो कुणाल गोयल वाज एवरी टाइम सेइंग एंड अल्टीमेटली वाज एबल टू ऑल इंडिया रैंक 3. सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने आप को असेस करते रहो, अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, जो करो उसको इतना स्ट्रांग करते रहो. फाइनल एग्जाम तो बहुत दूर है यार. अभी 6th क्लास में है तो 6th पे ही सेटिस्फाइड रहेंगे, 6th में 8th नहीं करनी यार हमको, कोई जल्दी क्या है हमको, हम तो इसको ऐसा कर डालेंगे कि कोई हमसे पढ़वा ले, हम 6th के बच्चों को उससे बेटर पढ़ा डालेंगे.
at both memory recollection level as well as application level. Power of consistency, जो मैं regularity की बात कर रहा था, you must be very, very careful. Believe in power of consistency, even top efforts fail many times if done in bits and pieces or not organized. ये उन बच्चों के लिए बहुत सटीक पॉइंट है जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि जिन बच्चों का एकेडमिक लेवल यंग एज में अच्छा होता है वो बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो ना टीचर की सुनते हैं ना पेरेंट्स की सुनते हैं हमको सब आता है और वो मेहनत भी करते हैं लेकिन वो मेहनत अगर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नहीं है तो सबसे ज़्यादा फेलियर भी वही झेलते हैं हर साल आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं सुना हो वो बच्चा आईआईटी की तैयारी करने लगा फाइनली वो भी नहीं हो पाई और ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं बनी स्कूल बैलेंस नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ सब जगह कंफ्यूज होके कहीं के नहीं रहे जयपुर में ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं पिछले 10 साल की बात करूँ तो एलन में भी ऐसे हैं हम हर साल स्टडी करते हैं बच्चों को समझाते रहते हैं बट मैनी आर सो स्टबर्न एक तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते और पिछले और पेरेंट्स भी टॉलरेट नहीं कर पाते लास्ट ईयर तक इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था और उसी तरीकों से सब कर रहे हैं लेकिन अब गड़बड़ अब कुछ कर ही नहीं पा रहा और गलती यहीं पे उन तरीकों से नहीं करना है जो आप पहले कर रहे थे ये फैक्टर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एवरी ईयर वी स्टडी लॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट्स सक्सेसफुल एज वेल एज फेलियर्स सो उन बच्चों को तो बहुत कॉन्शियस रहना है जो ऑलरेडी एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको अपनी सक्सेस और एकेडमिक पोजिशन मेंटेन करनी है एंड टू मेंटेन यू मस्ट बी कॉन्शियस So be consistent. This is also very important. Do not trust anyone in your surrounding. क्योंकि academic advice देने वाले हजारों लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो आपको guide कर देंगे ऐसे करो ये हो जाएगा ऐसे करो वो हो जाएगा Again, if you are doing something for the very first time, do not experiment with your life. Accept any idea or strategy only after reconfirmation with your faculty. आप अगर हम लोगों पे ट्रस्ट करके एलन का पार्ट हैं इफ़ यू आर अ फैमिली इफ़ यू रियली फील सो डिस्कस विद अस फॉर एनी आइडिया अगर आप कहीं से भी कोई बात सुनते हैं तो वो पहले हमसे डिस्कस कर लीजिए क्योंकि हमारा मोटिव भी वही है जब हमारे स्टूडेंट हाईली सक्सेसफुल बनेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हैं वो मत करिएगा जो बच्चे नेगेटिव कॉम्पिटिशन में करते हैं मैं ये कर लेता हूँ अपने क्लास के बच्चों से शेयर नहीं करूँगा तो मैं ये कर रहा हूँ तो मैं आगे निकल जाऊँगा बाकी किसी को पता ही नहीं चलेगा ये गलती या बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी आपको किसी से छुपा के कुछ नहीं करना है जितना ट्रांसपेरेंट और ओपन हो सकते हो जाओ अभी आई थिंक दंगल मूवी आई थी सब लोगों ने देखी होगी आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू गाइस हैव वॉच्ड दिस मूवी दंगल तो जब आमिर खान अपनी डॉटर्स को ट्रेन कर रहा था मैं यही मान के बता रहा हूँ कि शायद सबने देखी है जब डॉटर को ट्रेन कर रहा था तो उसको रियलाइज हुआ कि वो आपस में दोनों बच्चियों को लड़ा के ट्रेन नहीं कर सकता एक लेवल की ट्रेनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेयर साथ में चाहिए ताकि वो ग्रुप एक दूसरे से लड़ेगा तो ही वो डेवलप होके आगे आ पाएंगे और जब पूरे ग्रुप को सीक्रेट पता होंगे तो वो एक दूसरे को डेवलप कर पाएंगे सीक्रेटली कोई कभी डेवलप नहीं हो पाता इसीलिए आज कोच की जरूरत होती है बिकॉज कोच गाइड्स यू इट इज अ वेरी रेयर केस और एन एक्सेप्शनल सिचुएशन एक्सेप्शंस होते हैं बट हम क्यों एक्सेप्शन बनने की कोशिश करें भाई जब स्टैंडर्ड और सेट मेथडोलॉजीज हैं जिनसे निकल के हम अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं सो क्यों एक्सेप्शन बनने की कोशिश करें जो रास्ता इतना डिफिकल्ट है लाखों में कोई एक बन पाता है और नहीं बन पाया तो कहीं के नहीं रहेंगे सो बेटर है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वही काम करें जो सब कर रहे हैं और सबके साथ फाइट करें फिर जिसमें जितना दम है जो जितनी मेहनत करेगा जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना आगे निकल जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली आगे आप अपनी मेहनत से ही निकलेंगे कि इसे सीक्रेट शेयर करने से वो आगे नहीं निकल जाएगा या आप आगे नहीं निकल जाओगे You must be very careful, be honest, be transparent about it. और कोई भी आपको कोई misguide करता है कुछ करता है या आप किसी को कोई book करते हुए देखते हो तो चुपचाप घर जाके मम्मी को वो हमारी class का topper है वो book कर रहा था आप तो मुझे ही ला के दो मैं भी वो करूँगा मेरे को सर से पूछने की ज़रूरत नहीं So such type of things I wish you should avoid. Maybe कि आपकी इन early classes में ये habits थोड़ी बहुत चल जाएंगी
बट आने वाले टाइम में इससे बड़ा हार्मफुल हैबिट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनेंगे वो आपके ग्रुप से ही बनेंगे। मैं तो जबकि ये कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पे भी नहीं जाना, हमको तो एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बनाना है कि हम खुश रहें और एक डिसेंट लेवल पे पहुँच जाएं। प्रैक्टिकल बात करें यार, आज दुनिया के जितने बड़े दिग्गज की बात करोगे, हम प्रैक्टिकल बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, ये तो वो नाम है जो सबने सुने हुए हैं। बच्चों में बहुत क्रेज़ रहता है कंप्यूटर गेम्स का, तो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े गेम डिज़ाइनर थे, आपने नाम नहीं सुना होगा, गेब नेवल, ही इज़ द वन हु वाज स्टडिंग इकोनॉमिक्स, उनका इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड देन ही फाउंड कि नहीं मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट है, यूनिवर्सिटी छोड़ दी। और जो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स मैंने बताया, ये सब यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट्स हैं, फर्स्ट ईयर में ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी कि हमको जो करना है हम करेंगे, खुश रह के फालतू के प्रेशर में क्या करें। लेकिन अगेन द पॉइंट इज, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। दे वर्क सो हार्ड विद देयर पैशन की यूनिवर्सिटी के मोहताज नहीं है। सेम थिंग आई एम सेइंग, आप किसी कॉलेज के मोहताज मत बनो, बस सेटिस्फाइड बनो, जो कर रहे हो उसको इतना अच्छे से करो और कंसिस्टेंटली रूटीन में करो कि हमको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। और आप जब तक एलन में हो, एलन पूरी जान आपके साथ लगा के चलेगा, सारे टीचर्स एज ए फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहेंगे, प्रोवाइडेड आप उनको फैमिली मेम्बर्स की तरह अपनी फैमिली में पुल करो। हर टीचर हर बच्चे को पुल नहीं कर सकता, बट आपको राइट है हर टीचर को पुल करने का। सो कोई भी चीज़ करनी है विद फेथ एंड ट्रस्ट, रिकन्फर्म करें जहाँ पे डाउट है। पेरेंट्स भी बिना रिकन्फर्मेशन के लाइफ से एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि आदत खराब हो गई तो इट विल बी ए मेजर प्रॉब्लम। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, दो घंटे करके देख लो यार ये चीज़ काम कर रही है, मज़ा आ रहा है, तो उस मेथड को फॉलो कर लेंगे, लेकिन कोई मेजर डिसीजन ना लें। एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेरिमेंट किल्स योर टाइम विच इज़ वेरी लिमिटेड। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम। अब इस बात को कई एट्थ क्लास के बच्चे सोचेंगे, यार 11, 12 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो एट्थ में ही हूँ मैं, 8, 9, 10th में कौन से टाइम की कमी, अभी तो 3 साल है, खूब टाइम है मेरे पास। बट ये बात आप ध्यान रखना, आप पहली और आखिरी बार एट्थ क्लास में हो, एट्थ क्लास दोबारा नहीं आएगी, एंड द कॉन्टेंट विच यू आर बिल्डिंग इन क्लास एट्थ वो पहली और आखिरी बार ही कर रहे हो। 9th में चले जाओगे, अगर फाउंडेशन 8th की वीक रह गई तो उसका इफेक्ट आपको 9th में झेलना पड़ेगा, 9th की फाउंडेशन वीक रह गई इफेक्ट 10th में झेलना पड़ेगा, और अल्टीमेटली 11th 12th। सो एक ये साइकोलॉजिकल लोगों में माइंडसेट बना हुआ है कि भाई एलएनए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, छठी सातवीं में बच्चों को क्यों डालें, बेकार में प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो 10वीं 11वीं तक तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ने की स्टेट ही नहीं रहती। दीज आर ऑल मिथ्स, और इंडिया तो माइथोलॉजी से ही भरा हुआ है, तो मिथ से बचें, प्रैक्टिकल चीज़ों पे रहें। छठी सातवीं में हम लोगों ने तो बना रखा हफ्ते में 2 ही दिन क्लास है, ताकि बच्चे को एक फ्लेवर मिलना चाहिए चीज़ों का, बाकी मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ को। 8, 9, 10 में हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, 10th में जरूर, अभी यहाँ 10th का नहीं है, इसके बाद अलग सेशन है 10th का, जो कि NTSC फोकस्ड है, बातें सिमिलर है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आपने 2 महीने कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 2 महीने निकल गए आपके। सो डोंट दिस, बी केयरफुल अबाउट ऑल द फैक्टर्स, नो प्रोक्रास्टिनेशन। ये बच्चों में भी आदत होती है, पेरेंट्स से ही सीखते हैं बच्चे, पेरेंट्स में भी होती है। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ डिलेइंग योर वर्क और प्लान योर सेल्फ, यू आर हैम्परिंग योर सक्सेस। हम लोगों की बहुत एक आदत होती है, अभी नहीं शाम को कर लेंगे, अभी नहीं कल कर लेंगे, ये चीज कल का परसों कर लेंगे। Because this is such a bad habit which damages, totally damages your academic health. ये parents से आती है बच्चों के अंदर, तो मैं parents को request करूँगा, बच्चों के सामने कभी भी कोई काम करने की बात आए ना, चलो अभी करते हैं, immediately करके ख़त्म करो, बच्चे वही चीज़ सीखें। This is extremely important, और नतीजा later on हमको भुगतना पड़ता है। और बच्चों में ये बिल्कुल habit नहीं होनी चाहिए, क्योंकि I strongly wish, भले आप 7th class में 8th class में, अगर आज आपकी LN की क्लास हुई है, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, अब अगला इसके बाद लास्ट स्लाइड में मैं यही बताने वाला हूँ कि एलएन में क्लासरूम में कैसे पढ़ना है और घर पे सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। सो जो भी कराया गया उसको इतनी बार आने वाले दिनों में पढ़ते जाओ, चाहे वो एक्सपेरिमेंट लेवल हो, मेमोरी रिकॉल लेवल हो, रटने की बात हो, रट लो,
20 बार एक ही चीज पढ़ लोगे तो अपने आप ही रट जाएगी, रटने में एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। कई बच्चों की आदत होती है, पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं हमारे बच्चे को रटना अच्छा नहीं लगता है तो हर चीज समझना चाहता है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। मैं आपको अभी बता देता हूं, आज का जेई मेन का एग्जामिनेशन था, इस पेपर में मैथमेटिक्स का पेपर वॉज सो लेंथी, वो रेयरली वही बच्चे पूरा कर पाए जिनका मेमोरी रिकलेक्शन बहुत स्ट्रांग था। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे कि अगर एक एक चीज समझ के सॉल्व करने बैठ गए तो सिर्फ मैथ्स ही हो पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री गोल हो जाएगी। पेपर के अंदर चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर हो, जेई का एग्जाम हो जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, या एम्स का पेपर हो या नीट का पेपर हो, एनी करियर कॉम्पिटिशन, आपका मेमोरी रिकलेक्शन, मैं एक नया नाम दे रहा हूं रेदर देन कॉलिंग इट क्रैमिंग और रट्टाफिकेशन, मेमोरी रिकलेक्शन और मोर प्रिसाइजली क्विक मेमोरी रिकलेक्शन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जामिनेशन हॉल। आपको अगर करी हुई कोई चीज का फॉर्मूला नया दिखा, दो तरह के बच्चे होते हैं, हाँ ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आता है, एग्जाम में अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो मैं फॉर्मूला बना लूंगा, मेरे को तो आता है, प्राउड फील कर रहा हूं, मुझे फॉर्मूले बनाने आते हैं, और दूसरे बच्चे को इतना शार्प है उसको समझ में आ रहा है ये बनता तो ऐसे है लेकिन ये फॉर्मूला उठा के दिमाग में ऐसे बैठा लो, हर 3 दिन बाद फॉर्मूले देखते रहो ये वाला, ताकि जरूरत पड़ने पे सीधा यूज करें ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे करियर एग्जाम के अंदर, वहां पे तो उठा के यूज करना है, प्रोसीजर तो दिखाना नहीं है। और समझना इसलिए जरूरी है मेमोरी रिकलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, क्योंकि 11th 12th स्कूल में या कई जगहों पे 10th में भी डेरिवेशंस आते हैं, वहां पे हम कर पाए। सो वो जो दूसरा बच्चा ये सो शार्प एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, पहले वाला बच्चा तो निकाल रहा है, वो क्वेश्चन उसने सॉल्व किया 8 या 9 मिनट में, और दूसरे बच्चे ने फॉर्मूला फिट किया 1.5 या 2 मिनट में करके अगले पे आ गए, पेपर खत्म कर लिया, टॉप 50 या टॉप 100 में रैंक आ गई। दूसरा बच्चा नॉलेज में, हार्डवर्क में, मेमोरी कैपेसिटी में कहीं वो इस बच्चे से कम नहीं था, बट उसकी रैंक कहाँ पे आई, 3000 रैंक आई। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू रिपीटिशन ऑफ एकेडमिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर चीज को बार बार रिव्यू करते रहो, रटने की जरूरत ही नहीं, वो इतनी हैबिचुअल हो जाएगी कि आपके फ्लो में आ जाएगा, आप इंस्टेंट रिकॉल करोगे उन चीजों को, और कभी भी डिले नहीं करना है चीजों को। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेसिंग ऑल द टाइम, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, डू नॉट ऑक्यूपाई योर माइंड टू मच विद योर गोल, टेक इट इजी, जितना इजी ले सकते हो उतना इजीली लो। कई बच्चे जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं हमेशा दिमाग में होते हैं मुझे कॉम्पिटिशन में टॉप करना है, कई पेरेंट्स की आदत मुझे समझ में नहीं आता, इवन आई रियली फील सो बैड। कई बार मैंने देखा है मेरे बच्चे छोटे हैं, माई सन इज राइट नाउ इन क्लास 3rd एंड गोइंग टू 4th, उसका फ्रेंड है, उसकी मदर, शी इज ऑलवेज सो मच कन्फ्यूज कि नहीं दिन भर रात भर, परसों ग्रेडेड एग्जाम है 24 घंटे पढ़ाई करनी है क्योंकि परसों ग्रेडेड एग्जाम है, 40 out of 40 लेके आने हैं हमको। तो मेरे बेटे की आदत है शाम को 5 बजे से 6:30 7 बजे तक बाहर जाके मिट्टी में खेलना है, चाहे वो सितोलिया खेले, हम तो गिल्ली डंडा भी सिखा देते हैं कि यार हमारी लाइफ में जो एंजॉय करा वो हमारे बच्चों को तो मिलता नहीं है, तो सितोलिया खेलना सिखाओ, कंचे खेलना सिखाओ, ताकि कुछ एंजॉयमेंट तो रहे, रेदर देन गैजेट्स को पकड़ के बैठे रहे ये बच्चे, फिजिकली एक्टिव रहे। अब वो खेल रहे, अब वो ग्रेडेड एग्जाम के टाइम वो बाहर गया, वापस आ गया अंदर, मम्मी बाहर खेलने वाला कोई नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं, फिर हम खेल रहे हैं उसके साथ। अगले दिन ग्रेडेड एग्जाम हुआ, ये घर आके बहुत कुछ रिजल्ट आया, 40 में से 38.5 है, 1.5 नंबर कट गया, ठीक है। उसका क्या हुआ जो दिन रात पढ़ रहा था, वो रो रहे हैं क्यों, 40 में से 39 रह गए, उन 3 दिन बर्बाद कर दिए अपनी लाइफ के, और 1 नंबर कटने का गम मना रहे हैं वो लोग बैठ के कि 1 नंबर कटा लिए, और बच्चे को माँ बाप डांट रहे हैं तेरे साथ 3 रात से मैं जगी हुई, उसके बाद भी 1 नंबर कट गया तुम्हारा, इससे तो हम ही खुश हैं यार, पूरा एंजॉय करके 38.5 आ गए, इवन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी 40 में से 35 आ जाए तो भी खुश है, जितना किया वो अच्छे से कर लो, आगे बढ़ो, खुश रहो और कॉन्फिडेंट रहो, वो जाती है। एंड रिमेंबर अगेन जो बात मैं बोल रहा था, ऑल हाईली सक्सेसफुल पीपल आर नॉट जस्ट हार्ड वर्कर्स, दे टुक लाइफ वेरी लाइट एंड पैशनेटली, जो मैंने अभी बताया आपको, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफे, गेम नेवल, ये सारे वो लोग हैं, हजारों की लिस्ट है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी गोल को किसी के कहने पे चूज नहीं किया।
अपना गोल बनाए और दिन रात मेहनत करिए पैशनेटली खुश रह के और लाइफ को लाइटली लेके आगे बढ़े। कई बार हम खुद नहीं ले पाते, अपने प्रोफेशन को यार लाइट कर दो बिल्कुल, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल खुश रहते हुए आगे बढ़ाए, अपने आप चीज़ें होती हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लाइट लेने का मतलब इतना नहीं ये बिल्कुल सो रहे हैं पड़े हुए हैं, हो जाएगा सब अपने आप कुछ नहीं होगा। बी रिलैक्स कंफर्टेबल, पॉइंट जो मैंने लिखवाया था आपको, जितना करो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो, बार बार करते रहो यार, 100% की जरूरत ही नहीं, अपने आप टाइम के साथ हो जाएगा। अभी बहुत टाइम बाकी है अपने पास, यहाँ तो अभी सब मैक्सिमम 9th क्लास के ही तो लोग हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट द लास्ट सेकेंड लास्ट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू, योर एक्सपेक्टेड एकेडमिक बिहेवियर इन ईयर लॉन्ग स्टडीज एट एलन। बट मैं प्रेफर करूँगा आगे फ्यूचर में एलन में नहीं है, कॉलेज में चले जाएँ, कहीं और सिटी में चले जाएँ, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो ये बिहेवियर आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगा। This is the way you need to follow, whether you are going to school, coming at LN or following studies at home. If we talk about classes at LN, LN में अलग अलग subject की classes होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। It is just a myth कि कोई इस center पर अच्छे teacher हैं, उस center पर अच्छे teacher नहीं। Everywhere we maintain academics, आपको problem है आप अनुजा मैम को call कीजिए, आपको अकेले को बच्चे को पढ़ा देंगे। कई पेरेंट्स हमको इतना लेट कहते हैं, हम तो हेजिटेट कर रहे थे, आपके पास इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो आप हमारे अकेले बच्चे पे क्यों ध्यान दोगे। मैं कही आपका अपना सोच है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप कांटेक्ट करके तो देखिए हम आपके अकेले बच्चे के लिए क्या करते हैं। द ओनली कंडीशन इज बच्चे को मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको फॉलो करना है व्हाट वी आर डूइंग विद यू। अगर आप मेहनत साथ साथ नहीं करेंगे तो कुछ भी करने से फायदा नहीं होगा। सो क्लासेस सब्जेक्ट वाइज चलेंगी, हर क्लास में आप इस चीज़ को ध्यान रखें। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासेस, आप क्लास नोट्स बनाएं, मैं पॉइंट्स भी बताता हूँ, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासेस, सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी, बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बिकॉज टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, बिट्स एंड पीसेज में आप शफल करते हैं अकेडमिक्स को, तो अच्छे अच्छे परफॉर्मर आने वाले टाइम में फेल होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्लासेस, सेपरेट कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट, दिस फॉर क्लास नोट्स, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक कॉपी ले जाएंगे, चाहे जो पढ़ाया जा रहा है उसी में दो पेज में साइंस मैथमेटिक्स कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, बिकॉज सिंस बिगिनिंग, चाहे वो 6th 7th क्लास हो, 9th 10th हो, 8th हो, एलएन में साइंस मैथ्स नहीं चलेगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स हम चार पार्ट में स्प्लिट करके चलते हैं। 9th क्लास में आपकी जो साइंस है वही आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में स्प्लिट करके अलग अलग टीचर्स एक्सपर्ट्स ही पढ़ाएंगे, पूरा साइंस सिंगल टीचर आपको एलएन में नहीं पढ़ाता। सो हर सब्जेक्ट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, इसके अलावा भी मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इन कमिंग टाइम, वो सब्जेक्ट्स भी आएंगे। सो जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं सबकी आप अलग से क्लास नोट्स की कॉपी रखें, मेक योर क्लास नोट्स, और इस कॉपी में और कुछ ना करें। It is very very important. That's why I've written separate copy for class notes. Another thing which is also very useful, what you can do, it depends upon your teachers. आपके teachers भी class में अपने अपने subject के जिस तरह से वो teacher समझा रहा है आप follow कर सकते हैं। The another important thing is home copy for practice. आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा एलएन से, स्टडी मटेरियल मिलेगा एलएन पे, जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी आपका एक ऑनलाइन अकाउंट बन जाएगा, उसमें आपके टीचर्स अलग अलग तरह का एकेडमिक कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इफ़ यू आर एक्टिव ऑन इंटरनेट आप वो कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कॉपी आपकी सेपरेट होनी चाहिए, बट देयर शुड बी प्रॉपर इंडेक्सिंग एंड पेज नंबर्स, मस्ट बी वेरी गुड। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं क्योंकि इस एज में बच्चे इन्हीं चीजों को लैक करते हैं। कॉपी के पहले दो पेज पे इंडेक्स होना चाहिए ताकि आपको पता हो
आपने असाइनमेंट नंबर 42 किस पेज पे अटेम्प्ट किया, ताकि जब असाइनमेंट 42 को आपको रिपीट करना है तो क्विकली इंडेक्स में देखो, वो पेज नंबर खोलो, 42 करना शुरू कर दो। प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप पांचों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पांच अलग अलग कॉपी बना के चले, एक सब्जेक्ट की आप 8 या 10 कॉपीज नहीं बना सकते। फर्स्ट प्रैक्टिस कॉपी खत्म होगी, फिर सेकेंड प्रैक्टिस कॉपी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस कॉपी इज फॉर प्रैक्टिस, बट अगर इंडेक्सिंग प्रॉपर है, यहाँ पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि अगर 3-4 महीने बीत गए और कॉपीज अनऑर्गेनाइज हो गई तो वो काम दोबारा नहीं कर पाओगे आप, वो एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट 4 महीने बाद आज से निकल जाएगी, वो ट्रेन छूट गई, वापस नहीं आने वाली। डे वन से आप ऑर्गेनाइज करके चलो, जब प्रैक्टिस करोगे तो जितना प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करें तो 20 क्वेश्चन के लिए इंडेक्सिंग लिखो, यहाँ से मैंने ये किया, यहाँ से ये किया। एंड अलॉन्ग विद दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दिस होम कॉपी आपको कई तरह की शीट्स दी जाती हैं, आपको रेस शीट्स मिलती हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं, अलग अलग तरह की शीट्स मिलती हैं। उन शीट्स अगर लूज शीट्स हैं तो आई एडवाइज कि आप इस तरह के लूज पेपर पे प्रैक्टिस करें और इस पेपर को उस लूज शीट के साथ स्टेपल कर लीजिए और एक फाइल में लगा दीजिए, ताकि वो रेस शीट नंबर 23 है तो उस 23 की प्रैक्टिस इसी पेज के ऊपर है, कि अगर वो शीट भी लूज है तो इसके साथ में लूज है, स्टेपल करके फाइल में डाल दिया, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस जो आपने करी है वो प्रैक्टिस यहीं पे ही है। अब प्रैक्टिस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, कई क्वेश्चंस हमसे सॉल्व होंगे, कई क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होंगे, सो हाउ वी मैनेज एट होम दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी एट होम। सेल्फ स्टडी के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑल 4 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। द वेरी फर्स्ट इज प्लैंड वर्किंग, प्लैंड वर्किंग में बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, क्लास नोट्स की कॉपी सेपरेट होनी चाहिए, तो आपको ये रिकॉर्ड रहेगा क्लास में क्या पढ़ाया गया। उस क्लास नोट्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, घर पे आप कुछ गूगल से पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो क्लास नोट्स की कॉपी में टैग करें, टैग करके लिखें, इट शुड बी मैनेज लाइक दिस। एडिशंस मस्ट बी टैग्ड, व्हाट डू वी मीन बाय टैग, मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज है, आपके टीचर्स भी आपको रेगुलर हेल्प करेंगे इसमें, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा है, आपने यहाँ पे नोट्स करे, जो टीचर बोर्ड पे समझा रहा है, लिख रहा है, डिक्टेट कर रहा है, वॉट एवर ही इज गाइडिंग यू, यू आर राइटिंग इट इन द कॉपी, मान लीजिए 3 पेज भर गए, यहाँ तक आ गए। अब ये वाले पॉइंट्स, इसमें 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, आपको समझ आ गया, आप इसको और कहीं और से पढ़ना चाहते हो, गूगल पे सर्च किया है, आपके पास कोई और बुक है, कई बच्चों के पास मल्टीपल रेफरेंस बुक्स होती हैं, टीचर्स से पूछ लेते हैं, टीचर्स भी बता देते हैं, अगर हैं एलन की बुक्स तो आपको मिलेंगी, उनको तो फॉलो करना ही है, उनसे आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टैग कर दीजिए Google 1, Google 2, यही चीज़ें, अपने एडिशनल नोट्स, व्हाट दीज आर सेल्फ नोट्स, ये आप क्लास नोट्स की ही कॉपी में बनाएंगे सेल्फ नोट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज दीज नोट्स आर रिलेटेड टू दिस वॉट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट इन क्लासेस। आपको अगर रेफरेंस बुक्स में एलन के पैकेज में से कुछ है तो AP के यहाँ पे टैग लगा दीजिए, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, गुप्ता एंड गुप्ता कोई बुक है आपके पास, तो यहाँ पे GNG लिख दीजिए, इस बुक से आपको कुछ मिला, टीचर ने जो समझाया वो समझ में आ गया, लेकिन इस बुक में एक नया फार्मूला मिला है मुझे, तो उस फार्मूले को यहाँ डाल दीजिए, उसको बॉक्स में डाल दीजिए, तो ये टैगिंग इज ऑलवेज गुड फॉर यू। आपको जो भी एक्स्ट्रा रेफरेंस मिलते हैं तो वो एडिशंस करने हैं, लेकिन एडिशन हमेशा टैग्ड होने चाहिए, ताकि ये पता रहे कि ये आपके सेल्फ नोट्स हैं और ये क्लास नोट्स हैं, और ये होंगे उसी क्लास नोट्स की कॉपी में, नोट्स आप किसी और कॉपी में नहीं बनाएंगे। नोट्स मींस आपकी नॉलेज, वो एक ही जगह इकट्ठी होनी चाहिए, और इसके बाद इस कॉपी के शुरू के 2 पेजेस में इंडेक्स में लिख दीजिए कि मैंने यहाँ से रेफर किया, ये रेफर किया, और बार बार इनको पढ़ते रहिए, आप देखिए विदिन 2 मंथ्स आपकी मेमोरी ऐसी फोटोजेनिक हो जाएगी, लेकिन वो होगी तभी जब आप टाइम दोगे और इनको बार बार देखते रहोगे, बोर नहीं होगे, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, अब जब एग्जाम आया तो टेंशन शुरू हुई, 2 दिन पहले लग गए, दैट इज अ वर्स हैबिट स्टूडेंट्स आर हैविंग, सो यू मस्ट नॉट डू दैट, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
So this is the way how you'll be executing your planned working, regular D list and W list. इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझेगा. D list is doubt list, W list is wrong list. आपको छोटी छोटी दो डायरीज बनानी है. कोई भी डायरीज पेरेंट्स लेके बच्चों को दे सकते हैं. पॉकेट डायरी हो सकती है, एक डी डायरी होगी, एक डब्ल्यू डायरी होगी. आज दिन भर में मैं जब भी कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, साथ में और दोनों डायरियाँ पास में पड़ी रहेंगी टेबल पे हमेशा. दिस विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर वर्क. कोई क्वेश्चन को मैंने तीन बार ट्राई कर लिया, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब मैं टाइम नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा और वो आने वाले टाइम के लिए हार्मफुल है. दो बार, तीन बार, चार बार कर लिया, खटाखट नहीं हो रहा है, उसको उठा के डाउट डायरी में आज की डेट डालो और वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर लो कि इस बुक का क्वेश्चन नंबर 33 है, या एलन के पैकेज की एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 22 है. ये डी लिस्ट के अंदर लिख दो, ये डाउट है, मुझे टीचर से जाके पूछना है. ये तो वो है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए. देर विल बी मैनी क्वेश्चन यू विल फाइंड आपने सॉल्व कर दिए, आंसर निकल गया, लेकिन आंसर गलत आया, वो मैच नहीं हो रहा. इसका मतलब आपने सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को, आंसर भी निकाल दिया, बट आंसर मैच नहीं हो रहा है. तो भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिस बुक में एलन की बुक के अंदर आंसर लिखा है उसमें प्रिंटिंग एरर है, आप सही हो, या वो सही है और आपके करने का तरीका गलत. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपने गलत किया, ये डाउट नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके पास आंसर्स ही नहीं होते हैं, आपको जो आता है आप करके आगे बढ़ जाते हो, और अगर चीजें गलत कर दी तो नेगेटिव मार्किंग अलग हो जाती है करियर कॉम्पिटिशन्स में. सो डाउट होना मीन सॉल्व नहीं हुआ. सॉल्व नहीं हुआ तो जीरो नंबर मिले या मार्क्स नहीं मिले, लेकिन अगर गलत सॉल्व हो गया तो तीन नंबर का क्वेश्चन है, तीन नंबर तो गए, माइनस वन या माइनस टू और हो जाएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग है. तो जो आपने सॉल्व कर दिया और आंसर गलत निकाला, उसको उठा के डब्ल्यू कॉपी में डालना है, डब्ल्यू डायरी में डालना है, और अब उसी रॉन्ग मेथड को अपने टीचर को दिखाना है. सर देखो मैंने ऐसे किया है, अब मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, और टीचर को उसी में लाल पेन से अपने पेन से करेक्शन करवाओ, ताकि उसको दोबारा देख के हमेशा याद रहे मैं ऐसे कर रहा था, गलती ही है. और स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मैं हर बार बताता हूँ बट नहीं सुधरते स्टूडेंट. ये क्वेश्चन गलत हो गया, उस पर सर्किल मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, सीधा सर के पास बुक लेके पहुंच गए, सर ये क्वेश्चन नंबर 23 बता दो. सर तो बैठे हैं डाउट सेशन में, वो कहीं कॉपी लाओ, कॉपी दी, वो 23 सॉल्व कर देंगे, आप खुश हो गए चले गए. बट दिस सच अ स्यूडो सेटिस्फेक्शन यू आर गेनिंग. आपने कुछ गेन नहीं किया इससे. तो हम प्रिंटेड सॉल्यूशन बांट देते तो टीचर का भी टाइम बच जाता, आपका भी बच जाता. आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई चीज़ गलत करी है तो जहाँ करा है उसको संभाल के रखो और वो चीज़ लेके जाओ. सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज़ बताइए इसको कैसे करना है. तो वहाँ पे जब टीचर उसको आगे बढ़ाएगा ना, तो आपका ब्रेन इम्पल्स देगा, ये करना था जो मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, अच्छा मैंने ये गलत किया, यहाँ पे ये वाली स्टेप गलत है, तो दिमाग में बैठेगी चीज़. और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी, मैं फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, पेरेंट्स भी इस बात को समझें, मोर देन 85% से ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं. डाउट पूछने टीचर के पास गए, सर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया बता दो, तो टीचर तो बता देंगे. कुछ टीचर हैं रिजिड होते हैं, अच्छा 5 नहीं आया तुमने कैसे किया लेके आओ, और चुप बाहर जाके, अरे यार ये टीचर ऐसा ही है, इसको बताना नहीं है, मुझे कुछ और मांगता रहता है, ऐसी बातें शुरू हो जाती, मैं तो इससे पूछने ही नहीं जाऊँगा, वहाँ टीचर बुरे बन जाते. सो दिस समथिंग सो क्रिटिकल. मैंने तो अपनी लाइफ में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं बताया, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब बच्चा उसको पॉजिटिवली ले जाए, नेगेटिवली ले. मेरे पास जब स्टूडेंट हाथ में रहते हैं डाउट पूछे, मैं भी डाउट में बैठा रहता हूँ, कई बार बच्चे लाते हैं, पहले लेके आओ नहीं तो नहीं बताऊँगा, बाहर निकल जाओ, आई एम सो रिजिड अबाउट. मैनी टीचर्स आर सो सपोर्टिव कि बच्चा परेशान होगा उसको खुश रखो, सेटिस्फाइड रखो, तो वो जो भी पूछ रहा है बता दें. बट यहाँ टीचर से ज़्यादा बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉस आपका हो रहा है. दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप ये अपनी डी लिस्ट डब्ल्यू लिस्ट जैसे ही वो डायरी भरे नई डायरी शुरू हो जाए, और इन डायरीज को भी बार बार रिपीट करते रहो, और बहुत रिलैक्स डेली 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इतनी स्मार्टनेस से वर्क करोगे तो.
कंटेंट मैनेजमेंट मैंने बताई दिया आपको, सेल्फ कैसे मैनेज करना है, क्लास नोट्स कैसे करने हैं, प्रॉपर इंडेक्सिंग हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, गोल बेस्ड वर्किंग, टैग्स के बारे में मैंने बताया, हर जगह टैगिंग होनी चाहिए, आप किस रिसोर्स से चीज़ें उठा के कहाँ ले रहे हो, क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ उसको आपने डब्ल्यू लिस्ट में या डी लिस्ट में तो डाल दिया, लेकिन साथ में उठा के मान लीजिए वो एक्सरसाइज फाइव का पांचवा क्वेश्चन है तो उस पांचवें क्वेश्चन पे टैग लगाओ, दिस डब्ल्यू वन दिस डी वन, ताकि उस क्वेश्चन को जब भी दोबारा देखो तो पता चले ये मैंने रॉन्ग सॉल्व किया था, तो कॉन्शियस हो जाओ। और हम लोगों की क्या आदत होती है, हमको सिर्फ एक टैग आता है आईएमपी, जो भी चीज सॉल्व नहीं हो रही है कुछ गड़बड़ हो रही है इंपॉर्टेंट लिख दो ताकि इसको रिवाइज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इतना समझाने के बावजूद पूरे साल के एंड में कई बार बच्चों की कॉपी उठा के अब नोट्स उठा के देखते हैं तो हर चार क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पे आईएमपी लिखा हुआ होता है, कोई टैग नहीं है, आईएमपी मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था इसको रिवाइज करना है। ये पुराने जमाने बीत गए यार, अभी अगर कॉम्पीट करना है अपने आप को डेवलप करना है, इतनी स्मार्ट मेथोडोलॉजीज हैं, कुछ महीने में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप एकेडमिकली खुद को वीक मानते हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को बीट कर दोगे, हमने बीट होते हुए देखे हैं। टेंथ क्लास में बी प्लस ग्रेड का बच्चा टॉप 2000 में आईआईटी में सेलेक्ट होता है, हर साल देखते हैं हम लोग। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि कब जागोगे और उन चीजों को स्मार्ट मेथड्स के साथ आगे बढ़ोगे, वो ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स। एलएन पे एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली होते हैं, जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हैं ये एग्जामिनेशंस के रिजल्ट सेम डे डिक्लेयर होते हैं। आप सुबह एग्जाम दे के आओगे एलन में, शाम को आपके अकाउंट में रिजल्ट आ जाएगा, आपका इन अकाउंट को जैसे आपकी क्लासेस शुरू होंगी आपको बता दिया जाएगा, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पासवर्ड जनरेट कर लो, उसमें पूरी डिटेल्ड वर्किंग अवेलेबल होती है। सुबह टेस्ट दिया शाम को रिजल्ट आ जाएगा, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, उसमें ये भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है आपने कितने सही किए क्वेश्चन कितने गलत किए कंपेयर कर लो, आपकी जो ओएमआर शीट आप भर के आए हो उसकी भी कॉपी वहाँ अवेलेबल होती है। यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर एंड करेक्शंस आर टेकन अप विद इन अ डे और टू, जब आप क्लास में डिस्कशन करते हो टीचर से वो सारी चीज़ें टेकअप हो जाती हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट, टेस्ट एनालिसिस, अगेन इट हैज़ टू बी डन विद टैगिंग, दिस शुड बी अगेन योर ड्यूटी, जो मैं अभी क्लासेस की बात कर रहा था, आप सबको एक कॉपी और बनानी है, दैट इज टेस्ट एनालिसिस कॉपी। आपकी क्लास नोट्स कॉपीज अलग हैं, प्रैक्टिस कॉपी अलग हैं, जो जो भरती जाएगी उसके बाद अगली कॉपी शुरू होगी। भूल के भी रफ कॉपी यूज मत करना, मैंने कोई रफ कॉपी लिखी नहीं है, किसी जगह आप रफ कॉपी नाम की चीज यूज नहीं करोगे। थर्ड कॉपी इज टेस्ट एनालिसिस कॉपी एंड दैट्स इट। आज मान लो एलएन में टेस्ट हुआ है तो घर जाते ही आपका काम क्या है, क्योंकि आप टेस्ट दे के आए हो फ्रेश माइंड में है क्वेश्चन, पेपर उठाओ उन सारे क्वेश्चंस को टेस्ट एनालिसिस कॉपी में, मान लो टेस्ट का नाम है IT1, IT1 टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सारे सॉल्व करो दोबारा, करके आए हो अगर 2 घंटे का पेपर था तो घर पे 1 घंटे में हो जाएंगे, 3 घंटे का पेपर था तो 1.5 घंटे में हो जाए, आधा टाइम लगता है क्योंकि करके आए हो पूरा, वो टाइम देना है, इट इज़ वर्थ वाइल। ये नहीं कि आज तो टेस्ट हो गया अब घर जाके मस्त हो गए, नेवर डू दैट। व्हेन यू कम बैक यू विल सॉल्व, ये नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ 4 हो गया, इनकी मार्किंग करते जाओगे, ये सही हो गया ये गलत हो गया, इनको सॉल्व करो। अगर ये गलत हुआ है तो आपने कैसे सॉल्व किया था इसका रॉन्ग सॉल्यूशन, यहीं पे ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 नॉट अटेम्प्टेड, मेरे को समझ ही नहीं आया, बाउंस हो गया, मैं समझ नहीं पाया, बाउंस हो गया कोई बात नहीं, दिस इज अ डाउट। इन चीजों को आपको डब्ल्यू कॉपी या डी कॉपी में डालने की जरूरत नहीं है, टेस्ट एनालिसिस कॉपी में ही है, और अगले दिन इस कॉपी को उठा के अपने टीचर के पास ले जाओगे डाउट्स में, टीचर क्लास में पूरा डिस्कशन करते हैं, तब आप देखोगे कि मेरे रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या गलती है, इसी में यहीं पे मार्किंग करके स्टेप्स को ठीक करोगे, नहीं हुआ तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे, जो सही हो गया उस पर खुद को शाबाशी दो, खुश हो खुश रहो कि मैंने सही किया है, गलती हुई है तो उसकी गलती ढूंढ के यहीं पे गोले लगाओ, उस कॉपी को गंदा करो थोड़ा, ताकि रिवाइज करते हुए यही गोले हेल्प करें आपके।
I hope all of you are getting what I'm saying. Because this is again the same part which we were doing in W list or D list. और अपनी प्रैक्टिस कॉपी लेके जाओ एंड अगेन फिर मैं बताऊं सिर्फ तीन कॉपियां होंगी नोट्स प्रैक्टिस ये तो फॉर सेपरेट फॉर ईच सब्जेक्ट और टेस्ट एनालिसिस ये टेस्ट बेस्ड होंगी क्योंकि कई टेस्ट में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी होते हैं तो टेस्ट एनालिसिस की सेपरेट कॉमन कॉपी चलेगी एंड अगेन आई एम टेलिंग यू नो रफ कॉपी क्योंकि रफ कॉपी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं व्हेन यू रफली सॉल्व समथिंग यू आर वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड आप कभी प्रेशर में नहीं होते और कूल स्टेट में आप जब भी कुछ करते हो वो आपके ब्रेन को एनहांस करता है आपकी स्पीड बढ़ाता है एंड व्हेन यू सॉल्व इट रफ कॉपी के अंदर इट गिव्स यू कंफर्ट और अगर वो गलत हो गया तो आप उसको काट देते हो कुछ भी ड्राइंग बना देते हो और फिर दोबारा ट्राई करते हो अब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो गलत हो गया तो उसको तो संभाल के रखना था क्योंकि वो टीचर को दिखाना है कि ये मेरा गलत हुआ है तो इसमें क्या गलती है उसी में ढूंढनी है हो सकता है दोबारा ट्राई करके अपनी गलती खुद ढूंढ लो लेकिन जो पहले बार अटेम्प्ट किया है गलत हुआ उसको संभालना जरूरी है सो दैट यू कैन रिपीट इट अदरवाइज इट विल बी ए मेजर लॉस फॉर यू सो बी केयरफुल फॉर इट एंड दीज आर द फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए आपके एकेडमिक बिहेवियर के लिए बाकी आपके टीचर्स ईयर ऑन ईयर डे ऑन डे बेसिस पूरे साल चीज़ें बताते रहेंगे एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर मैं क्विकली बता देता हूँ हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग एंड विन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि स्कूल और कोचिंग को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो बहुत कॉमन सी बात है मैंने अभी अभी समझा भी दिया था आपको अगेन आई एम सेइंग कंटेंट ऑफ बोथ आर सेम सिर्फ ये है कि स्कूल के एग्जामिनेशन में मेमोरी चीज़ें हैं कोचिंग के अंदर हम एप्लीकेशन बेस्ड फोकस करते हैं ताकि आपका दिमाग खुले आप ज़्यादा सोच पाएं जस्ट रीऑर्गेनाइज योर एकेडमिक बिहेवियर फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलें कभी स्कूल में अलग चैप्टर है यहाँ अलग चैप्टर है तो दोनों पे ध्यान दें वहाँ मेमोरी लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे ताकि जब वो वाला चैप्टर कोचिंग में आएगा तो आपका लेवल बढ़े और ये वाला चैप्टर स्कूल में आएगा तो रिपीट होगा आपको दोनों जगह ध्यान देना है कई बच्चे स्कूल में ध्यान देना बंद कर देते हैं दैट्स नॉट गुड अप टू 10th स्कूल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 11th 12th में स्कूल के रोल्स लिमिटेड होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विथ कोचिंग योर स्कूल परफॉर्मेंस मस्ट ग्रो अगर किसी की परफॉर्मेंस कोचिंग के साथ स्कूल में ग्रो नहीं कर रही मैंने आपको पहले ही बताया मेमोरी रिकलेक्शन के बिना एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होते तो आप मान के चलिए आपके एलएन में भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी स्कूल में आएगी तो ही यहाँ बढ़ेगी नहीं तो नहीं आएगी और कोचिंग से बेनिफिट नहीं हो रहा है इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन इट इज प्रोबेबली द पाथ कमिंग फॉर यू विल बी वेरी वेरी टफ इट इज़ अ टफ पाथ फॉर यू अहेड अगर आप कोचिंग में रहते हुए स्कूल परफॉर्मेंस और कोचिंग दोनों लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले टाइम में करियर कॉम्पिटिशन विल बी वेरी टफ सो ट्राई टू बी कॉन्शियस और मैं जो शुरू में फॉर्मूला बताया खुश रहो और चीज़ों को लगातार रिपीट करते रहो ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी बहुत ईजिली सब कुछ ब्रेक थ्रू करके आ जाओगे और बहुत कम टाइम में आ जाओगे And we don't favor if you feel the need to take leaves from LN classes during your school exam. I really hate it. Parent ke call karte hain, sir school bacche ka kal exam hai, to abhi din bachcha LN nahi aayega. Aap bataiye, aapne kaha tha isko alag se kaise padha denge? Wo to hum kara hi denge yaar, aap chutti loge to hum aapko alag se padha denge. Lekin why you want to do this? Agar aap dono cheezon ko split karoge, kabhi kuch nahi kar paoge. जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट आप देख रहे हैं इनका कल सुबह स्कूल में एग्जाम होता है और आज रात को 8 बजे तक 7 बजे तक जब तक क्लास है वो एलन की क्लासेस फॉलो करते हैं दे आर सो कंसिस्टेंट कल सुबह जो स्कूल में होना है वो तो यार 20 बार पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं घर पर टाइम क्यों खराब करूँ यहाँ क्लास में गेन करूँ ना क्योंकि ये क्लास मिस हो गई तो 3 दिन बाद इस क्लास के लिए अलग से आना पड़ेगा एलन के टीचर तो पढ़ा देंगे एलन में तो इतने एडिशनल एक्स्ट्रॉर्डनरी टीचर्स हैं कि हमको अलग से भी करा देते हैं कि हम बहुत क्लियर बोलते हैं एलएन में टीचर्स से दिल मत लगाओ हम सब एक यूनिफॉर्म में हैं सब एलएन है आपका मैथ्स टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है वो भी एलएन है कोई दूसरा टीचर मैथ्स के हैं वो भी एलएन है आप सेल्फिश बनो
आपको डाउट पूछना है, अगर ये टीचर अवेलेबल नहीं है, डाउट काउंटर लिखा हुआ है, डाउट काउंटर पे अगर मैथ्स का सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे कोई भी इस यूनिफॉर्म में बैठा है, बेहिचक जाके बेशर्मी से डाउट पूछो, अपना काम निकालो यार, ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है आपको जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वो किसी और क्लास में बिजी हो, तो इस वक्त जो बैठे हैं आप फ्री हो तो आप तो अपना काम निकालो ना, आप वेट करते रह गए कल पे टाल दी चीज, तो आज का टाइम गया, फिर कल आपके लिए कल की चीजें सफर करेंगी, प्रोकास्ट करके कुछ नहीं होगा। तो ट्राई नॉट टू मिस एनी क्लास इन एनी कंडीशन एवर, और अगर डे वन से आप रिपीटेटिव फोकस पे चलोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, अच्छे बच्चे कोई मिस नहीं करते और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट करते हैं। देयर विल बी नो सच नीड इफ यू स्ट्रिक्टली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो द पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे अगर ये ढंग से फॉलो कर रहे हो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आपका शेड्यूल 4 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन जयपुर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, आपके बैच अलॉटमेंट, टाइम टेबल, एग्ज़ाम कैलेंडर, डाउट काउंटर शेड्यूल एक हफ्ते के बाद शुरू होता है। सो ये चीज़ें 5 अप्रैल से आपकी क्लासेस हैं, कल से शुरू हो जाएगा। जिनकी क्लासेस टैलेंट प्रो के स्टूडेंट्स की, जिनमें नंबर ऑफ क्लास आवर्स ज़्यादा है, रूटीन में स्टूडेंट्स आर एसोसिएटेड विद अस फॉर 9 to 12 hours पर वीक, टैलेंट प्रो क्लासेस आर 18 hours पर वीक, वो स्टूडेंट्स कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, उनका टाइम टेबल आज रात को 8 या 9 बजे चालू हो जाएगा, यू कैन चेक ऑन इट। रीशफलिंग एंड SRG SPG दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। हम लोग मई मिड में, आपकी कोई इन जनरल रीशफलिंग नहीं होती है, हम बच्चों को कोई डिमोटिवेट नहीं करते, लेकिन जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको पिक करके हम एडिशनल फोकस करना शुरू कर देते हैं, उनके अलग से बैच बना देते हैं। आपको जो टीचर डे वन से पढ़ाना शुरू करेगा साल के आखिर तक वही टीचर्स के ग्रुप आपके साथ जुड़े रहेंगे, कोई टीचर्स हम चेंज नहीं करेंगे। आपके साथ नए बच्चे और जुड़ सकते हैं या आपके साथ के कुछ बच्चे दूसरे कहीं जा सकते हैं, लेकिन आपके टीचर नहीं बदलते। आपको हम कभी भी डीमोटिवेट नहीं करते, कई इंस्टीट्यूट्स में होता है बच्चों को रीशफल करके हम ये करते हैं कि लोअर बैच में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे जूनियर टीचर्स पढ़ाने लगते हैं, कहीं फिर सीनियर टीचर्स अच्छे बैचेस को पढ़ाते हैं। एलन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक स्टैंडर्ड मैथडोलॉजी है, इसीलिए एवरेज परफॉर्मर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करता है। लेकिन जिस बच्चे की कैपेसिटी अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अलाउ अस टू सेलेक्ट यू फॉर मोर हायर स्टडीज। आपको हम हफ्ते में 3 दिन बुला रहे हैं रूटीन बैच में। अगर आप हमारे SRG विच इज़ कॉल्ड स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, SPG इज़ कॉल्ड स्पेशल परफॉर्मर्स ग्रुप, SRG एक लेवल ऊपर है, SPG उससे नीचे है। अगर आप SRG या SPG में हैं और ये क्लासेस, ये ग्रुप्स बनते हैं स्पेसिफिकली 9th क्लास में, 8th तक कोई वेरिएशन नहीं रहता है। 9th क्लास में SRG SPG के लिए बच्चों को पुल किया जाता है, अलग अलग नॉमनक्लेचर भी आते हैं बच्चों के, अलग तरह के बैचेस आपको समझा दिए जाएंगे, उन बैचेस में बच्चों को पुल करके एक्स्ट्रा गाइडेंस दी जाती है ताकि वो बच्चे ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर सकें, NTSC के लिए और स्ट्रॉन्ग लेवल पे जा सकें, फ्यूचर में KVPY, जो भी सतीश सर ने कहा पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस ईयर ऑल्सो पूरे इंडिया में से 2578 सिलेक्शन हुए, 2500 बच्चों में से 98 बच्चे LN जयपुर के रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगेन इंडिया का हाईएस्ट रिजल्ट इस साल भी यहीं से, 3 साल से रिकॉर्ड मेंटेन है। सेम इन NTSC ऑफ क्लास 10th, इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एनी सिटी एनी इंस्टीट्यूट आर फ्रॉम LN जयपुर सेंटर। सो एट दैट लेवल स्टूडेंट्स आर मेंटेनिंग बिकॉज जिसकी कैपेसिटी है उसको पुल करके आगे लाते हैं, और वो डायनामिक है, अगर आप नहीं कर पाओगे आपको फिर डीमोटिवेट कर देंगे। डीमोटिवेट कैसे कर देंगे, बेटा आप नहीं पढ़ रहे हो तो हम आपको एडिशनल चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, आप अपनी जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़ो। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ाएंगे हम तब जब आप अपनी 9th के बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके आगे की चीज़ों पे चलना। बेसिक्स में अगर वीक रह जाओगे तो फिर हमें एडवांस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जस्ट वी वॉन्ट यू टू ट्रस्ट ऑन अस, कहीं कोई प्रॉब्लम है यू कैन बी इन टच विद अस फॉर एनी लेवल। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, बट एक पर्सनल कैरेक्टर क्वालिटीज, ये बातें पर्टिकुलरली बच्चों के लिए हैं, बच्चे दिमाग में रख लें या नोट कर लें, बिकॉज ये ऐसे कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, 3 कैरेक्टर्स एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फ्रॉम माई साइड। ये तीनों कैरेक्टर आपको खुश रखने में हेल्प करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज पोलाइटनेस, मेंटेनिंग पोलाइटनेस इन ऑल एंड एक्शन, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड पेरेंट्स।
अगर बच्चों में एक आदत है लाउड वॉइस की, चिल्लाने की, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एकेडमिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लॉस सफ़र करोगे। व्हेन आर यू शाउट, एग्रेशन में आते हो, तो आपके ब्रेन की नर्व्स पे इफेक्ट आता है, इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग योर मेमोरी। यू हैव टू बी पोलाइट, लिखा हुआ है एल्डर्स एंड पेरेंट्स, आई वुड से यू शुड बी पोलाइट विद योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है मम्मी पापा से एल्डर्स है तो पोलाइट रहेंगे, जो अल्लाह गुल्ला मस्ती करनी है चिल्लाना वो अपने फ्रेंड्स के साथ करें। आई मस्ट से यू शुड बी पोलाइट, ऑलवेज बी डिसेंट, क्योंकि जितना रिलैक्स रहोगे, कामनेस रहेगी, उतना आपका ब्रेन का मेंटल लेवल ग्रो कर जाता है। फिजिकल फिटनेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट इट हैज़ टू बी ऑन रेगुलरिटी, एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर एन एक्टिव ब्रेन विद गुड एनर्जी लेवल। बच्चे कई बहुत स्टूडियस होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और कई बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनके लिए रेगुलर टाइम लिमिट करना ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल फिटनेस मीन्स आप डेली एक घंटा या डेढ़ घंटा रखिए, इससे ज़्यादा मत होने दीजिए। दो घंटे से ज़्यादा अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, मैं फिजिकली एक्टिव कह रहा हूँ, वो नहीं कि मोबाइल या आईपैड लेके गेम्स खेल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्टिविटी, वो तो ज़ीरो कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, या कभी भी टाइम घड़ी देख के 15-20 मिनट कर लो, क्योंकि डम्ब एक्टिविटीज़ वी नेवर प्रेफर, क्योंकि वो एक्सट्रीमली हार्मफुल होती हैं, क्योंकि वो मोबाइल गैजेट सोशल मीडिया ये आप जब बंद भी कर देते हो तो भी दिमाग में कैरी ओवर चलता रहता है, दिमाग ड्रिफ्ट नहीं होता, दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, सो वी नेवर प्रेफर। बैलेंस मील्स, यहाँ मदर्स को पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है बच्चों के मील्स का, ईट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल फूड एंड टेक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स आफ्टर द मेन मील्स। आप जब भी लंच करें या डिनर करें, कोशिश ये रहे हमेशा कि उसके बाद 20 मिनट आराम करना है, अखबार पढ़ लो, रिलैक्स कर लो, पढ़ाई नहीं करनी, माइंड गपशप कर लो, चाहे डिनर करो चाहे लंच करो, उसके अगले 20 मिनट तक, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रीजंस एंड लॉजिक्स, पहले मैं एक्सप्लेन किया करता था, जस्ट इस बात को दिमाग में रखें, लंच या डिनर के अगले 20 मिनट तक अलार्म लगा दो मोबाइल में, घड़ी में, रिलैक्स करो, अखबार पढ़ लिया, कॉमिक्स पढ़ ली, म्यूजिक सुन लिया, कुछ भी कर लिया, दिस इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, दिस विल सर्टनली हेल्प यू ऑल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद अस, थैंक्स अ लॉट।